सुनो, अभी क्या बात कर रहे थे यार, लास्ट क्लास में याद है कि हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट करा था, ठीक है? और वो हमारा पहला लेक्चर था, ये हमारा सेकेंड लेक्चर होगा, और आज हमें ये एनिमल किंगडम खत्म करना है, ठीक है? तो क्योंकि दिस इज क्रैश, तो हमें अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है, थोड़ी सी, बट नॉट एट द कॉस्ट कि आपको समझ में ना आए, ठीक है? नॉट एट द कॉस्ट कि आपको समझ में ना आए, ठीक है? अगेन मैं एक अगर ऐसे बात करूं तो देखो यार, ये जो है हमारा मतलब शॉर्टकट वाले लेक्चर्स हैं, मतलब थोड़े क्रैश लेक्चर्स हैं, जिसमें तुम्हें जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वो डिलीवर किए जाते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है ना? तो अभी हम सिर्फ वही 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 देखने वाले हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है एंड ऑल, ठीक है? तो आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने बोल दिया था कि सब अपनी एनसीईआरटी वगैरह जो भी है वो रेडी रखोगे, है ना? पेन पेंसिल वगैरह रेडी रखोगे, तो होप सब रेडी हैं क्लासेस के लिए, ठीक है बाबा, सब रेडी हैं, ठीक है? अब जरा यहाँ पर आ जाते हैं यार, लास्ट क्लास में हमने जो ड्रॉप किया था अपना लेक्चर, वो जर्म लेयर्स पे था, ठीक है? किस पर ड्रॉप किया था? जर्म लेयर्स पे अपना डिस्कशन ड्रॉप किया था। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, वी विल स्टार्ट टुडे विथ सीलोम थिंग। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? सीलोम। सीलोम क्या होता है यार? सीलोम होता है, जैसे एग्जाम्पल तुम्हें अभी लास्ट क्लास में भी थोड़ी सी डिस्कशन करी थी हमने सीलोम के बारे में, तो यहाँ पर एक बार फिर से मान लो, ये क्या है यार? बॉडी कैविटी। क्या है ये? मतलब बॉडी कैविटी क्या? तुम्हारी बॉडी है मान लो, ठीक है? फिर उसके अंदर में मान लो क्या है यार, ये हो गया तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब जैसा, ठीक है? अब ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब जैसा नहीं है, कहीं पे पतला है, ईसोफेगस है तो पतला है, फिर स्टमक है तो मोटा है, दैट वाज रैंडम है, लेकिन हम पूरा मान लो पतला मोटा, अगर हम सर उस पे नहीं जाए तो हम क्या मान लेते हैं यार? ट्यूब जैसा है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं सीलोमिक कैविटी। क्या बोलते हैं यार? सीलोमिक कैविटी। और इसी के अंदर में फिल्ड होता है सीलोम। ये जो सीलोम है ना बेटा, ये क्या होता है? या तुम्हारे गट से टूटकर टिश्यू निकल के उसके अंदर फिल हो जाता है, या फिर जो मीजोडर्म है वो टिश्यू इसके अंदर निकल कर फिल हो जाता है। ये बात समझ में आई क्या? या तो जो गट है मतलब इंटेस्टाइन के कुछ सेल्स निकल के फिल हो जाएंगे, ठीक है? या फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो मीजोडर्म है वो टूट के उसके अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली सीलोम जो है वो दो टाइप का होता है, अगर कैविटी है तो वो दो टाइप की हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं, सीलोम की बात करते हैं बेटा। तो सीलोम में क्या हो रहा है? देखो, सीलोम वो बॉडी कैविटी हो गई, ठीक है? अब उसमें क्या होता है कि नहीं है, कि कैसी है, ठीक है या नहीं है, कैसी, उस बेस पे क्या था यार? अगर नहीं है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एसीलोमेट। नहीं है तो क्या बोलेंगे? एसिलोमेट, ठीक है? अगर है तो वो हो जाएगा सीलोमेट। लेकिन है और सीलोमेट में भी थोड़ा सा फर्क है, एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं स्यूडो सीलोमेट। क्या कहते हैं बेटा? स्यूडो सीलोमेट। स्यूडो सीलोमेट क्या होता है बच्चा लोग? स्यूडो सीलोमेट का होता है जिनके अंदर में पहली बार सीलोम बना। क्या होता है बेटा? जिनके अंदर पहली बार सीलोम बना, है ना? तो जरा देखो यार, यहाँ पर तुम्हें डायग्राम में नजर आ रहा है, देखो सीलोमेट क्या हो गया, जिसमें एकदम अच्छा वाला सीलोम है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ एसिलोमेट दिख रहा है, एसिलोमेट में देखो कोई जगह ही नहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई जगह नहीं है, यानी कोई बॉडी कैविटी ही नहीं है। यहाँ पे आ जाएंगे स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट में क्या हो रहा है बेटा? ये बॉडी वॉल हो गई तुम्हारी, ये तुम्हारी गट लाइनिंग हो गई, और उन दोनों के बीच में ये स्पेस है जिसमें ऐसे रैंडम मतलब ऐसे इधर उधर स्कैटर्ड से टिश्यू है, तो ये क्या हो जाएगा? स्यूडोसिलोमेट, जिसमें मतलब कैविटी फिल्ड तो है लेकिन अच्छे से फिल्ड नहीं है, रैंडमली फिल्ड है, और ये हो गया तुम्हारा सीलोमेट। इसमें क्या है? देखो बॉडी कैविटी हो गई, है ना, ये गट लाइनिंग हो गई, और उसके अंदर ये देखो पूरा एकदम मस्त वाली लाइनिंग से ये पूरा फिल्ड है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सीलोमेट, असली वाला सीलोमेट, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं यार, सबसे पहले जो सीलोम आया था वो कहाँ पर आया था बेटा? एस के हेलमिंथस में आया था। कहाँ पे आया था? एस के हेलमिंथस में आया था। तो जो एस के हेलमिंथस से पहली बार अगर उसके अंदर आ रहा है तो वो कैसा था यार? स्यूडो सीलोमेट था। उसके बाद के जितने भी होंगे वो सब कैसे हो जाएंगे? सीलोमेट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सीलोमेट। और लास्ट क्लास में बताया था, एक बार अच्छा कैरेक्टर आ गया तो आ गया, अच्छा कैरेक्टर कभी भी वापस मुड़कर नहीं देखता, है ना? तो यानी एस के हेलमिंथस में स्यूडो सीलोम आ गया, उसके बाद में सीलोम आ गया, तो अब उसके बाद जितने भी जानवर है सब में सब कैसे हो गए? सीलोमेट हो गए। तो बार बार याद नहीं करना है। अब जरा देखो यार, वो जो मतलब सीलोमेट्स हैं जिनके अंदर सीलोम है, वो दो टाइप के होते हैं, साइजोसीलोम, एंटरोसीलोम। साइजो यानी कि वही मीजोडर्म्स की स्प्लिटिंग से अगर बना हुआ है, और एंटरो यानी कि गट की स्प्लिटिंग से अगर बना हुआ है, ठीक है? तो साइजोसीलोम में आ जाता है आम। क्या है एग्जांपल इसका? आम। आम क्या हो गया? एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। आम क्या हो जाएगा बेटा? मीजोडर्मल स्प्लिटिंग से बना हुआ साइजोसीलोमेट्स हो गए। और एंटरोसीलोमेट क्या हो जाएंगे? जो गट की लाइनिंग से बना होगा। तो जितने भी बच गए मतलब आम के अलावा अब आगे जितने भी बच गए वो कैसे हो जाएंगे? एंट्रोसिलोमेट। हम कैसे हैं?
एंटरोसीलोमेट, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ यार, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, नोटोकॉर्ड। क्या है? नोटोकॉर्ड। अभी बेटा मतलब मैं ये खत्म करके तुरंत पूछूंगी कि समझ में आ रहा है, बहुत जल्दी भाग तो नहीं रहा, समझ में आ रहा है ना तो मुझे बता देना, ठीक है। अब जरा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यार नोटोकॉर्ड की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है लाल मेरी, देखो यहाँ पे तुम्हें एक शक्ल सी दिख रही होगी, नीचे एक डायग्राम सा दिख रहा होगा, देखो ये दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, नोटोकॉर्ड एक सिंपल सा ऐसे देखो ना, ये लाइन सी नहीं दिख रही है, मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर में अभी जिसमें डिजाइन बना रही हूँ, दिस इज नोटोकॉर्ड, ठीक है। और उसके ऊपर नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड क्या होती है, जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम बनाएगा, है ना। और ये रहा तुम्हारा नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब उसके बाद में तो वही पूछता है, ये देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर नर्व कॉर्ड होता है, नीचे नोटोकॉर्ड होता है। होता क्या है यार नोटोकॉर्ड, तो यहाँ पर देख लो कैसा होता है यार, रॉड लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है ना, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है ना। और जिनके अंदर होता है उसको हम कहते हैं कॉर्डेट, जिनके अंदर नहीं होता है वो कौन से हो जाएंगे, नॉन कॉर्डेट। तो पॉरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मेटा तक, पॉरीफेरा से एकाइनोडर्मेटा तक कोई नोटोकॉर्ड नहीं होता, तो सब नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, किस में आते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो यार, अब हम यहाँ से पढ़ने शुरू कर रहे हैं तुम्हारा मतलब जो ग्रुप्स हैं उन पे आ गए, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या, अब हम ग्रुप्स शुरू कर रहे हैं। ग्रुप शुरू से करने से पहले दो तीन बातें जो तुम्हें समझानी है, लेकिन उसके पहले मुझे ये बताओ, द स्पीड इज ओके, स्पीड इज ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। देखो अभी क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तुम्हारे ग्रुप्स की। तो ग्रुप्स में यार ध्यान रखो, एक होता है जनरल, मतलब एक होता है जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर कैसे होते हैं यार, वही कि तुम्हारे मतलब वो सिमेट्री कैसी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी प्लान कैसा है, सीलोम कैसा है, ये सब होते हैं जनरल कैरेक्टर, ठीक है। क्या होते हैं ये, जनरल कैरेक्टर होते हैं। जनरल कैरेक्टर में क्या देखना, इनिशियली चेंज आएगा, उसके बाद जब अच्छा वाला आ जाएगा उसके बाद कुछ नहीं बदलता जिंदगी में, है ना। तो उसके बाद सबका सेम हो जाता है, तो दो तीन चार में तुम्हें जनरल कैरेक्टर देखने पड़ेंगे, उसके बाद सब कुछ सेम हो जाएगा, ठीक है। जो बदलता है वो क्या होता है यार, मतलब जो उनके ऐसे वाले कैरेक्टर्स होते हैं ना, फालतू फालतू से कैरेक्टर्स, कि मतलब कहाँ होता है, सिमेट्री कैसी है, सेक्स कैसा है, फिर डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, ये सब बहुत वेरी कर रहा होता है। और जब यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हमारे गड़बड़ हो जाती है, समझ गए। तो मैंने क्या किया हुआ है कि जो ऐसे वाले जनरल कैरेक्टर्स हैं जिनमें चेंज होता रहता है, मतलब हमेशा हमेशा, मतलब लास्ट तक ऐसे चेंज होता ही रहता है, उनको मैंने एक साथ तो एक छोटा सा फॉर्मूला बना के वो दिया हुआ है, ठीक है। तो वो तुम्हें याद करना है, ठीक है। तो एक होते हैं जनरल कैरेक्टर जो नॉर्मल है, एक बार अच्छे हो गए तो हो गए, आगे याद नहीं करना। दूसरे होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, उसका फॉर्मूला बना दिया है। स्पेशल कैरेक्टर तो सबके डिफरेंट ही होते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं यार फटाफट देखने के लिए क्या क्या है। अब जरा देखो, जब भी हम जनरल कैरेक्टर देखेंगे, है ना, तो जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उनका लोकेशन देखेंगे, फिर सिमेट्री देखेंगे, फिर उनका सेक्स देखेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फिर डेवलपमेंट देखेंगे। इज दैट ओके, बोलो बाबा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉरीफेरा की। किसकी बात कर रहे हैं यार, पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा जो होता है बेटा, ये कैसा होता है पॉरीफेरा, देखो उसके अंदर क्या है, जनरली मरीन दिख रहा है क्या, कैसा हो गया वो, जनरली मरीन। इसका शॉर्टकट क्या है, एक दो बार तुम्हें इस शॉर्टकट रटने में अजीब लगेगा, ये कैसा शॉर्टकट है, या कुछ भी फीलिंग आ सकती है, लेकिन बाद में यू विल बी ओके विद दैट, ठीक है। तीन चार याद करना है, बाद में यू विल बी ओके। गुड मॉर्निंग अब्बासी दिख रहा है, गुड मॉर्निंग अब्बासी, गुड मॉर्निंग अब्बासी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, गुड मॉर्निंग इज, देखो गुड मॉर्निंग इज जनरली मरीन, लोकेशन है, फिर ए फॉर एसिमेट्रिकल बाइसेक्सुअल, जब भी हमेशा यही सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ही याद कर लेना कि सिमेट्री है, सिमेट्री के बाद में उनका सेक्स कैसा है। तो ये बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी, कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। व्हाट इज यूनिसेक्सुअल, मतलब सेम सेक्स हो सकते हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों के भी हो सकते हैं एक ही में, और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो वही बोला है, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल दोनों होता है। इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है बेटा, वही सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों ही इनका रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद में कैसे होते हैं, इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो मतलब इंटरनल होता है, और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है। एक बार फिर से बताते हैं, क्या बताया, लोकेशन कैसा है, सबसे पहले हम बताते हैं लोकेशन, ठीक है, फिर हम बताते हैं तुम्हारी सिमेट्री, तो ये कैसे है, एसिमेट्रिकल, फिर सेक्स कैसा है, बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल एक ही में है, फिर मतलब वो कैसे होते हैं यार,
मतलब क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन इनका कैसा है यार, रिप्रोडक्शन कैसा है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही टाइप है। फिर से रिप्रोडक्शन कैसा है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप है ना। फिर उसके बाद में ये हो गया तुम्हारा रिप्रोडक्शन, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट, समझ गए ठीक है। इसमें अच्छा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, जिसमें क्या होता है यार तुम्हारा लार्वा स्टेज होती है ना। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वहां होता है जहाँ पे लार्वा होता है ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट तुम्हारा क्या होता है, उसके अलावा जनरल कैरेक्टर मतलब दूसरे जनरल कैरेक्टर्स पे आ जाते हैं, वो कौन सा था यार, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछता है, सेल्यूलर, याद है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है यार, सेल्यूलर ठीक है। इनका बॉडी प्लान कैसा था, इनका कोई मतलब खास बॉडी प्लान नहीं था क्योंकि ये पोर वाले थे ना, तो इनका बॉडी प्लान नहीं पूछता, सिर्फ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज सेल्यूलर ठीक है। अब उसके बाद में इनके स्पेशल कैरेक्टर दो हो जाते हैं, एक स्पॉन्जोसील मतलब इसके बीच में बॉडी, इसके बीच में पूरी ऐसी कैविटी जैसी होती है ना, यहाँ पे ऐसे पूरी कैविटी होती है, तो वो स्पॉन्जोसील हो गया। और क्या हो जाएगा इनके अंदर में, कोइनोसाइट, कोइनोसाइट क्या होते हैं यार, ऐसे करके फ्लास्क लाइक फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जो सब कुछ ही करते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर भी यही करते हैं, क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर भी यही करते हैं, और उसके अलावा वाटर के अलावा ये डाइजेशन भी इन्हीं के अंदर में होता है, समझ गए ना। और इनका जो डाइजेशन है वो कैसा हो जाएगा यार, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, इंट्रासेल्यूलर, सब कुछ मार्क्ड है, जितनी चीजें मार्क्ड है वो सब रटना है ठीक है। इनका जो स्केलेटन है स्पिक्यूलियर स्पॉन्ज इनका बना होता है, जो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमेशा गैमेट फॉर्मेशन से ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, समझ गए ना। अब इधर लार्वल स्टेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है यार, लार्वल स्टेज इनमें प्रेजेंट होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा इनका जो लार्वा होता है, पेरेन्काइमा, सीलोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, ये इनके लार्वा होते हैं ठीक है। बोलो बाबा, इनका जितने भी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो सब तुम्हें करना है ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं यार, सीएलएनट्रेटा यानी कि तुम्हारा निडेरिया ग्रुप ठीक है। सीएलएनट्रेटा में देखो बेटा इसमें क्या है, देखो मॉम सफल आरबीसी दिख रहा है, मॉम सफल आरबीसी ठीक है। स्टार्टिंग में आपको शॉर्टकट्स में दिक्कत होगी, 5 दिन मतलब 5 बार मतलब 5 दिन ना ऐसे लिख लो, उसके बाद में तुमको शॉर्टकट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यार कैसे होते हैं मॉम क्या है यार, मतलब इनका लोकेशन कैसा है, तो कैसा लोकेशन हो जाता है इनका यार, मोस्टली मरीन होते हैं, याद रखो पूछता है ओनली मरीन, मोस्टली मरीन ठीक है, तो याद रखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली मरीन होते हैं, सेसाइल या फ्री लिविंग होते हैं, सेसाइल मतलब रुके 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 से, फ्री लिविंग मतलब यहाँ वहाँ मूव करते से। फिर इनकी सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल, सेक्स कैसा, बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल एक की में हो गया। फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल मतलब जनरली सेक्सुअल ज्यादा होता है, एसेक्सुअल भी होता है बट सेक्सुअल ज्यादा होता है। फिर उसके बाद में एसेक्सुअल और सेक्सुअल मतलब एसेक्सुअल भी होता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ज्यादा शो करते हैं ठीक है। उसके बाद भी नेक्स्ट आ जाओ, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल ठीक है, बोलो रे बाबा ठीक है। फिर उसके बाद में और क्या आ जाएगा इनका, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल आ चुका है तो इसमें क्या आ जाएगा यार, टिश्यू लेवल आ जाएगा, तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा बेटा, टिश्यू लेवल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल हो जाएगा। फिर उसके बाद याद है बॉडी प्लान है ना, इनमें देखो एक वो मतलब एक ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं हाइपोस्टोम, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोस्टोम, और अंदर ऐसे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है ना, तो एक ओपनिंग है, तो इसलिए इनका बॉडी प्लान कैसा हो जाएगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हो जाएगा ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हो जाएगा ओके। अच्छा इसके अब स्पेशल फीचर्स पे आते हैं, दो टाइप होता है, ये दिख रहा है तुमको जो तुम्हारा ऐसे है लंबे लंबे से है ना, और एक तुम्हारा ये अम्ब्रेला जैसा है, तो ये क्या हो जाता है यार, मेड्यूजा टाइप्स, क्या हो जाएगा, मेड्यूजा, देखो अम्ब्रेला में एम आता है ना तो मेड्यूजा ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया पॉलिप, क्या हो जाएगा, पॉलिप टाइप ठीक है। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाता है बेटा, इनके अंदर में स्पेशल सेल होती हैं, क्या होती हैं यार, स्पेशल सेल जिनको हम क्या बोलते हैं यार, इधर देखो नीचे दिखाते हैं, ये वाली सेल डायग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी, ये हो गई तुम्हारी नीडोब्लास्ट सेल, ये स्पेशल कैरेक्टर है इसका, सिर्फ यही यही प्रेजेंट होता है, ये पूरा नीडोब्लास्ट सेल है जिसके अंदर में ये स्टिंगिंग कैप्सूल है, ये क्या है यार, स्टिंगिंग कैप्सूल, तो इसको ये क्या बोल देंगे, स्टिंगिंग कैप्सूल है, और स्टिंगिंग कैप्सूल को हम क्या बोल देते हैं यार, निमेटोसिस्ट, क्या बोल देते हैं बेटा लोग, निमेटोसिस्ट ठीक है। ये जो तुम्हें धागा दिख रहा है ना, ये जो धागा है जिससे ये स्टिंगिंग कैप्सूल जुड़ा हुआ है उसको लाजो बोल देते हैं ठीक है। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ यार, मतलब उसके बाद दो फॉर्म्स तो मैंने तुम्हें बताया ही था ना कि इनके दो फॉर्म होते हैं, एक पॉलिप और एक मेड्यूजा। पॉलिप और मेड्यूजा क्या है यार, अभी तो बताया था कि पॉलिप और मेड्यूजा मतलब पॉलिप जो है वो लंबा लंबा और मेड्यूजा जो है अम्ब्रेला जैसा ठीक है। तो ये क्या होता है ना, हमेशा याद रखो
क्या होता है, अगर पॉलिप है ना, तो पॉलिप का जो बच्चा पैदा होगा ना बेटा, वो कैसा होगा? मेड्यूजा। पॉलिप का जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा? मेड्यूजा, है ना। और रिप्रोडक्शन कैसी होगी? एसेक्सुअल। ये बात समझ में आई क्या? तो शॉर्ट में तुम रट सकते हो पैम। क्या रट सकते हो? पैम। पॉलिप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूजा पैदा होता है, यानी कि जो लंबे लंबे से ये होंगे, हाइड्रा होंगे, वो एसेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनसे मेड्यूजा यानी अम्ब्रेला जैसे बच्चे पैदा होंगे। समझ आया? तो दिस इज पैम। और इसी का जस्ट उल्टा है बेटा। क्या उल्टा है? कि अगर मेड्यूजा है ना, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और वो प्रोड्यूस करेगा पॉलिप। समझ गए? तो ये याद करो, और दूसरा वाला इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है? रटना है, क्वेश्चन आता है। और ये देखो, तो यहाँ पे देखो हमेशा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नजर आ रही है, कि मतलब पॉलिप का बच्चा मेड्यूजा, मेड्यूजा का बच्चा पॉलिप। तो दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या हो जाता है यहाँ पे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है हमेशा, है ना। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? मेटाजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब जरा नेक्स्ट आ जाओ। इनका जो लार्वा होता है, दैट इज प्लेन्यूला लार्वा। कौन सा लार्वा होता है बेटा? प्लेन्यूला लार्वा होता है। और याद रखो, इनमें मतलब दोनों ही चीजें होती हैं। क्या दोनों चीजें होती है बेटा? मतलब मेल और फीमेल एक साथ ही होते हैं, तो यानी ये बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है ना, वो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट एक चीज और देख लो यार। फिर यहाँ पर हाइपोस्टोम, माउथ होता है ना, दिखाया था ऊपर, हाइपोस्टोम माउथ होता है। उनकी जो कैविटी है वो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है, जैसे तुम्हारा पेट आता है वैसे इनका गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती है, जहाँ पे डाइजेशन होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। डाइजेशन जो है इनका एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर दोनों होता है। कैसा होता है यार? एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों होता है। और उसके अलावा तुम्हारे ये तो बताया था ना, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनके अंदर में पहले, सबसे पहले तो दो ही जर्म लेयर होते थे, तो इनके अंदर भी दो जर्म लेयर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाता है यार? इसमें तुम्हें याद क्या करना है? ओम आर बी सी। क्या याद करना है? ओम आर बी सी। ओम फॉर ओनली मरीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये सिर्फ मरीन होता है। इसका कोई भी फॉर्म जो है वो नॉर्मल मतलब फ्रेश वाटर में नहीं होता है। फिर उसके अलावा रेडियल, बाइसेक्सुअल, सेक्सुअल, फिर से ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ सेक्सुअल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रहा है। फिर उसके बाद में क्या है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम ऐसी मतलब वो है जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बहुत कम ही ऐसे वो है जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है मतलब क्या? वही कि लार्वा बनता है। क्या बनता है बेटा? लार्वा बनता है, ठीक है। अब लार्वा बनने से याद आया, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा यार? यहाँ पे ये जो हरी हरी सी शक्ल दिख रही है ना इनकी, एक मिनट, ये जो हरा हरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? कॉम्ब प्लेट। क्या है ये? कॉम्ब प्लेट है। लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं बेटा? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये जो दिख रहा है ये टेंटिकल्स है, और टेंटिकल्स भी ऑब्वियसली मूवमेंट में ही हेल्प करते हैं, तो ये भी मूवमेंट में हेल्प कर देते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आ जाओ यार, इधर इनको जो टीनोफोरा है, इनको सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। इतना गोल है तो सिमेट्री तो रेडियल हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। फिर ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे हाइड्रा में था, सेम डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों में है ना। कॉम्प्लेक्स, चमकते बहुत हैं, तो बायल्यूमिनेसेंट होते हैं, समझ गए। बाकी सब कुछ तुम कर चुके हो। प्लूरोब्रेकिया, ट्यूनोप्लेना, प्लूरोब्रेकिया का दूसरा नाम है सी गूजबेरी, समझ गए। अच्छा ये बताओ, समझ आ रहा है कि बहुत ज्यादा भाग रहा है? समझ आ रहा है या बहुत ज्यादा भाग रहा है? समझ आ रहा है, पहले वो बताओ। समझ आ रहा है वाले हाथ उठा दो, और बच्चा लोग प्लीज रिस्पॉन्ड कर दिया करो, वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा कि सच में समझ आ रहा है या मैं फास्ट जा रही हूँ। समझ रहे हो? ठीक है, देखो फास्ट जाना इज डिमांड ऑफ द टाइम। हम बहुत ज्यादा स्लो नहीं कर सकते हैं, इट इज द डिमांड ऑफ टाइम, लेकिन अगेन नॉट एट द कॉस्ट कि तुम्हें समझ में नहीं आए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी, तो प्लीज मुझे जेन्युइनली रिस्पॉन्ड कर दिया करो, ठीक है ना। चलो, लेकिन आई हैव ट्राइड कि मैं तुम्हें सब कुछ उसमें बता दूं जो इम्पोर्टेंट है। मैंने ट्राई किया हुआ है, बट डेफिनेटली थोड़ा फास्ट है, तो थोड़ा तो मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा तो वो रहता ही है ना। सब कुछ बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे हम टच नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल आई हैव ट्राइड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। फिर आते हैं पैरासिटिक, इधर आते हैं प्लैटी हेलमिंथस। प्लैटी हेलमिंथस, प्लैटी मतलब क्या होता है यार? फ्लैट होता है बेटा। प्लैटी मतलब क्या होता है यार? फ्लैट होता है ना। तो फ्लैट वर्म्स हो गए। अब जरा यहाँ पर देखो यार,
हेलमिंथस मतलब वर्म होता है, क्या होता है वर्म, और प्लैटी मतलब होता है फ्लैट। तो ये इनकी शक्ल ही टेप, देखा है नॉर्मल टेप, तो इनकी शक्ल ही टेप जैसी होती है, तो इनका नाम भी टेप वर्म रख दिया था, ठीक है। अब फिर से इनके वही वाले कैरेक्टर्स है ना, तो अभी हमने क्या पढ़ा था यार, गुड मॉर्निंग अब्बासी, फिर उसके बाद में मॉम सफल आरबीसी, ओम आरबीसी, और अब क्या है यार, पी बी बासी। देखो इधर पी बी बासी है ना, आरबीसी नहीं है यहाँ पे, है ना। पी फॉर पैरासिटिक, कहीं किसी के अंदर ही होते हैं हमेशा, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बाइसेक्सुअल होते हैं। अभी तक देखो हमेशा रेडियल पड़ा है ना, यहाँ बाइलेटरल आ गया, दिख रहा है, ठीक है। बाइसेक्सुअल होते हैं, रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों, और इंटरनल और इनडायरेक्ट। अभी तक अगर तुम्हें याद हो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइज, अरे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक ही जगह आया है, अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे आ जाओ यार, प्लैटीहेलमिंथस में खास बात क्या है बच्चा लोग, देखो प्लैटीहेलमिंथस में क्या होता है कि फ्लैट वर्म तो है ही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अब इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में क्या आ गया बेटा, ये देखो कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यहाँ से ट्रिप्लो शुरू है, एक बार यहाँ पे ट्रिप्लो शुरू हो गया तो शुरू हो गया, समझ गए। देखो अभी सीलोम नहीं आया है, एसके हेलमिंथस में आएगा, और इनका जो लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यानी इनके अंदर में कोई ऑर्गन बन गया, तो पहला ऑर्गन जो बना था वो क्या था यार, हेड। तो फॉर्मेशन ऑफ हेड को हम कहते क्या है बेटा, सिफिलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, सिफिलाइजेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ हेड थोबड़ा बना था पहली बार, यहाँ पे देखो ना ये चुटुंगू सा नहीं दिख रहा तुम्हें, तो इसे थोबड़ा, यहाँ पे भी देखो ये थोबड़ा दिख रहा है, तो बेसिकली फेस का फॉर्मेशन हो गया, हेड का फॉर्मेशन हो गया, एंड दैट इज टर्म्ड एज सिफिलाइजेशन, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये खाना वाना कुछ डाइजेस्ट वाइजेस्ट नहीं करता अभी तक जितने भी हैं, मतलब ये क्या करता है, सीधे सीधे प्री डाइजेस्टेड फूड लेता है, तो वही एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स होस्ट से डायरेक्टली, ठीक है, डाइजेशन की इसको जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर में दो स्पेशल चीजें होती हैं, हुक्स एंड सकर्स। हुक्स एंड सकर्स से क्या करता है, हुक से वो बेसिकली जो मतलब होस्ट है तुम्हारा, उसके इंटेस्टाइन में या कहीं पर भी ऐसे अटैच हो जाता है, ठीक है। और सकर्स जो है उनसे वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत बहुत बहुत, ये तो मतलब नीट वालों का ना ऐसे फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पसंद है उन्हें ये नाम, फ्लेम सेल्स, पता नहीं कितनी बार आ चुका है, ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाता है यार, ये सारे तुम्हारे एग्जाम्पल्स हो गए, एग्जाम्पल्स के पहले यहाँ पर आ जाओ, ये जो तुम्हारा टेपवर्म है ना, इसमें तुम्हें बहुत सारी वो टुकड़े 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 नजर आ रहे होंगे, इन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं यार, प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। पीछे वाले बुड्ढे हो गए तो ग्रेविड, ग्रेविड मतलब बुड्ढे, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होते हैं, इनके अंदर में क्या होता है, अंडे होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है ना, जब इनके अंदर अंडे भर जाते हैं तो वो टूट के निकल जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एपोलाइसिस, क्या बोल देते हैं, एपोलाइसिस। तो वो क्या होता है यार, ब्रेक डाउन, किसका, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोग्लॉटिड्स, किस प्रोग्लॉट, कौन सा प्रोग्लॉटिड टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है यार, जिसके अंदर एग होगा वो टूट जाता है, तो इन्हीं का जो टूटना है उसको मतलब वो कह देते हैं एपोलाइसिस कह देते हैं, समझ गए ना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, प्लेनेरिया तुम्हें पता ही है ना, बहुत तगड़ा लेवल ऑफ रीजनरेशन शो करता है, और तगड़ा लेवल ऑफ रीजनरेशन शो कर रहा है प्लेनेरिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मॉर्फोलेक्सिस शो करता है। मॉर्फोलेक्सिस क्या होता है यार, पूरी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन, मतलब अगर वो प्लेनेरिया को आधा आधा काट दो तो पूरी वो दो प्लेनेरिया बन जाएंगे, यानी कि कंप्लीट बॉडी फॉर्मेशन है ना, अगर ये टूट गया तो उसको हम बोलते हैं यार मॉर्फोलेक्सिस, क्या बोलते हैं बेटा, मॉर्फोलेक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ, इसमें देखो यार, ये जो मैंने अभी लार्वा लिखा है ना, ये तुम्हारी श्रद्धा है बेटा, समझ गए, लिखा मैंने इसलिए क्योंकि आया है ना, पहले भी आ चुका है और चांसेस तो हैं, लेकिन अगेन तुम्हारी श्रद्धा है, याद कर पाओ तो बड़ी अच्छी बात है। ये एच ओ सी मतलब जो टेप वर्म है उसके तीन लार्वा होते हैं, हेक्साकेन, टोंकोस्फियर, सिस्टिसर्कस, याद कर पाओ तो बड़ी अच्छी बात है, ना याद हो तो कोई मतलब नहीं, याद हो रहा है तो अभी फिलहाल स्किप कर सकते हो, ठीक है। शीप लिवर फ्लूक के तुम्हारे 1 2 3 4 5 होते हैं, और इनमें मैंने याद किया था मिस्टर सी एम, देखो मिस्टर सी एम, मेरासिडिया, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, ठीक है। ये शीप लिवर फ्लूक के लार्वा हैं जिसमें स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, ये सब कहाँ रहता है, स्नेल में, और मेटा सर्केरिया जो है वो कहाँ रहता है यार, शीप में, यानी कि जो शीप लिवर फ्लूक है वो दिख रहा है ना बेटा, देखो वहां पे डाइजेनेटिक, स्नेक हो गया, शीप हो गया, तो डाइजेनेटिक होता है। ये टेपवर्म पे आ जाओ, एक देखो टेपवर्म जो है,
हाँ यहाँ पे देखो, ये टेपोम जो है उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना, टीनिया है ना। तो टीनिया ना दो टाइप का होता है, दो टाइप का टीनिया होता है। कौन कौन सा? एक होता है टीनिया सोलियम है ना, एक होता है टीनिया सेजिनाटा। समझ गए? सेजिनाटा जो होता है बेटा वो किस में हो गया, वो तुम्हारे मतलब गाय भैंस वगैरह जो है उनमें हो जाता है, और सोलियम जो है बेटा ये तुम्हारे पिग्स में हो जाता है। समझ गए? अब नेक्स्ट आ जाओ इधर, शीप लिवर फ्लू का पूरा नाम है फेसियोला हिपैटिका। अरे शीप लिवर फ्लू के है ना, तो शीप तो मतलब चलो हो गया, और लिवर है तो लिवर के लिए हिपैटिका टर्म यूज करते हैं, तो नाम पूरा जानना जरूरी होता है। ठीक है चलो यार, अब उसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारा क्या आ जाता है बेटा, एस के हेलमिंथिस। क्या आ गया? एस के हेलमिंथिस। एस के हेलमिंथिस में क्या याद करेंगे? बिजी दी। क्या हो जाएगा? बिजी दी। बाइलेटरल यूनिसेक्सुअल। अच्छा जिनका मैंने आगे ये नहीं लिखा है कि लोकेशन कहाँ है, इसका मतलब वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। हर जगह प्रेजेंट है तो तुम्हें जबरदस्ती याद करने की जरूरत नहीं है, जहां बोलोगे वो वहीं प्रेजेंट है, पानी हवा हर जगह मतलब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उनका लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये कैसे हो गया? बाइलेटरल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल। फिर मतलब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों होता है। देखो इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट है ना, और फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है। समझ गए? ठीक है, अब उसके बाद में दूसरे वाले वो प्यारे वाले कैरेक्टर्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका कैसा हो जाएगा? पीछे वाला टिश्यू लेवल था तो ये, और पीछे वाला ऑर्गन लेवल था तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाना चाहिए ना, एक स्टेप तो बढ़ेगा, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया, तो यानी कि इनमें क्या बन गया? डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। ठीक है, दूसरा क्या था यार? पीछे डिप्लोब्लास्टिक थे तो ये कैसा हो जाएगा यार? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, अच्छा कैरेक्टर आ गया। देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक अच्छा कैरेक्टर, ऑर्गन सिस्टम अच्छा कैरेक्टर, अब कुछ ना बदलना जिंदगी में। समझ गए? अब आगे जितने भी हैं यहाँ के बाद सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे, सब ऑर्गन सिस्टम हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इनके अंदर पहली बार में वो कैविटी बनी है तो इनके अंदर में स्यूडोसिलोम होगा ना यार, तो ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं यार? स्यूडोसिलोमेट होते हैं। ये बात समझ में आई क्या? है ना, चलो। अच्छा पहली बार एलिमेंट्री कैनाल बना है, कंप्लीट बना है, और उसके अंदर में मस्कुलर फेरिंग्स भी डेवलप हो गया है। समझ गए? एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ट्यूब बहुत पसंद है लोगों को, जो नीट वाले हैं उन्हें ये चीज बहुत पसंद है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ट्यूब एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और एक्सक्रीटरी पोर वो पोर है जिससे एक्सक्रीशन जो है वो बाहर निकल के आता है। तो याद रखो जो डाइज मतलब जो एक्सक्रीटरी ट्यूब है वो एक्चुअली में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी पोर एनस की तरह काम करता है जिससे जो एक्सक्रीशन है वो बाहर निकल कर जाता है। समझ गए? तो ये ध्यान रख लेना, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आसान है लेकिन अच्छा क्वेश्चन बनेगा, आएगा तो कंफ्यूज करके जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ यार, बाकी सब हमने देख लिया है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, मेल और फीमेल पहचानना कैसे है? याद रखो जिसका ये हुक डेंट होता है वो मेल होता है, और जो बाकी का है वो फीमेल होता है। फीमेल में गायनेकोफोरिक कैनाल भी होता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखो, ये नाम जो है, ये सब नाम ऑब्वियसली तुम्हें याद ही करने हैं, इसमें तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। लार्वा तुम्हें दिख रहा होगा, रेबडिटेड और रेबडिटॉइड लार्वा होता है इसका, अगेन तुम्हें ये नाम याद करना है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जो यार, एनलीडा की बात कर रहे हैं। एनलीडा जो नाम है ना बेटा वो एन्यूलस से पढ़ा है। एन्यूलस मतलब रिंग। क्या होता है यार? एन्यूलस मतलब रिंग। ठीक है, तो इनमें ना बड़ी तगड़ी लेवल की सेगमेंटेशन है, और ऐसे ना पूरा सेगमेंटेशन जो है वो रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। पूरा जो सेगमेंटेशन है वो रिंग जैसा, देखो ऐसे छल्ले 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 रिंग जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, तो इसीलिए इनका नाम रखा था एनलीडा। समझ गए? अब इसमें देखो यार कैसे होते हैं, फिर से ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक मरीन भरीन देखो और टेरेस्ट्रियल हर जगह होते हैं, इसलिए इनका लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ, अब एक चीज और, अब यहाँ से हमने वो चीज जो हम जनरली लिख रहे थे ऊपर वो हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? उसके पीछे रीजन देख लो एक बार फटाफट। एस के हेलमिंथस पे वापस आ जाते हैं। अब क्यों हटाया हमने? शॉर्टकट नहीं दे रहे हैं क्यों? क्योंकि अब सब में बाइलेटरल सिमेट्री होगी। ठीक है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम यूनिसेक्सुअल होंगे। एक आधा ही एग्जाम्पल है जो अब वैसा हो जाएगा, यानी मोस्ट ऑफ देम अब यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल अब बहुत कॉमन हो जाएगा, ए सेक्सुअल बहुत कम रह जाएगा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। आंसर में पूछेगा भी तो तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही लगाना पड़ेगा। डेवलपमेंट जो है अब कैसी हो जाएगी? ज्यादातर में डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगी, ज्यादातर में डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगी, और तुम्हारा जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल हो जाएगा। समझ गए ना? इसीलिए
ये अब तुम्हें, और हाँ यहाँ से अब सब कुछ देख लो, तुम्हारा सीलोमेट शुरू हो जाएंगे, मतलब सीलोम आने लग जाएगा, तो सब सीलोमेट हो जाएंगे, सब में ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा, सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे। यहाँ के बाद से ना एनेलिडा से तुम एक अगर वो देखो तो सब के सब सारे अच्छे कैरेक्टर आ चुके हैं, सारे अच्छे कैरेक्टर आ चुके हैं, तो अब ड्रामा नहीं है, अब तुम्हें रटना ही नहीं है, सब कुछ वही है। एक आधा जो अलग है सिर्फ वो ही याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये अलग है इसलिए याद करना है, क्योंकि बाकी सब कुछ तो सेम हो गया। इसलिए अब यहाँ से फालतू चीजें रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं, अब यहाँ से सिर्फ जो अलग है वो ही रटना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ यार, क्या बात कर रहे हैं, अब देखो इधर मैं एक बार लिख लूँ, नहीं लिखते नहीं है, एक बार हम अंडरलाइन करके देख लेते हैं, मतलब पूरा मैं तुम्हें अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार, ये कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया, अब सब में बाइलेटरल सिमेट्री आ जाएगी, सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है। अभी ये वैसे वाले कैरेक्टर हैं, बाकी कैरेक्टर के लिए नीचे आएंगे, ठीक है। अब इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर, सेगमेंट्स, मेटामराइजेशन है ना, मेटामराइजेशन, ठीक है, सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है इनमें, है ना, मसल्स प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मूव, मतलब मसल्स हैं जिनकी वजह से वो मूव कर पाते हैं। कुछ कुछ जो पानी में रहते हैं उनके अंदर ऐसा पैरापोडिया प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, पैरापोडिया, जिसकी वजह से वो क्या मतलब तैर पाते हैं, ठीक है। फिर इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है यार, क्लोज्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड, दिस इज वेरी 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 डैम इंपॉर्टेंट, क्योंकि एकदम से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तुम्हें पीछे बताया था है ना, कि वो एकदम से यहाँ पर आ गया है, वरना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है यार, सीधा सीधा कॉर्डेटा में होता है, किस में होता है बेटा, कॉर्डेटा में होता है, और उसके अलावा तुम्हारे एनलीडा में हो गया है ना, कुछ याद आया कि नहीं याद आया, पीछे बताया था मैंने, ठीक है। अब जरा देखो यार, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको बोल देते हैं नेफ्रिडिया, ठीक है। इनके अंदर में ना दो नर्व कॉर्ड होती हैं, दो नर्व कॉर्ड, ये दिख रहा है, वेंट्रल वेंट्रल है ना, और उनको जोड़ने के लिए एक और नर्व कॉर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं, मतलब नर्व कॉर्ड यानी लेटरल नर्व होती है जो उन दोनों को जोड़ रही होती है, ये दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड जिनको जोड़ने वाली लेटरल नर्व होती है, ये बात समझ में आई क्या। तो ये उनका मतलब नर्वस सिस्टम है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं नेरिस, ठीक है, ये पहला वाला डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा यार, अक्वाटिक फॉर्म होता है, बताया था ना, और ये डायोइशियस होते हैं, कैसे होते हैं यार, डायोइशियस, डायोइशियस क्या हो जाएगा बेटा, मतलब वही यूनिसेक्सुअल, ठीक है, अलग अलग, लेकिन जो अर्थवॉर्म है वो कैसा है, मोनोइशियस है, यानी कि बाइसेक्सुअल है। तो ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है जो बाइसेक्सुअल है, रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल ही होता है, समझ गए क्या, मैंने बताया था ना, एक आधा ही एक्सेप्शन होंगे, बाकी सारे जो चीजें हैं, बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत 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 कैसे हो जाएंगे यार, फिक्स्ड कैरेक्टर्स हो जाएंगे, सारे अच्छे वाले कैरेक्टर्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये भी कैसे होते हैं यार, यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन जो तुम्हारा अर्थवॉर्म है वो कैसा है बेटा, वो ही तुम्हारा मतलब बाइसेक्सुअल हो गया, समझ गए। तो अच्छे कैरेक्टर में अर्थवॉर्म थोड़ा सा पीछे रह गया, ठीक है ना। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ, अच्छा इनके अंदर में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है इनके अंदर में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, सर्कुलेटरी सिस्टम अभी क्लोज नहीं आया हुआ है, कहीं नहीं है अभी, बीच में अचानक से इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज आ गया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं यार, नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाता है, लीडा के बाद में ऑर्थोपोडा, आई मच्छर मक्खी वाला ग्रुप है ये, समझ गए ना, लार्जेस्ट फाइलम होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि लार्जेस्ट फाइलम होता है, सब कुछ वही चीज याद रखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी प्लान क्या हो जाएगा, वही ट्यूब विद इन ट्यूब हो जाएगा, याद आ रहा है, ट्यूब विद इन ट्यूब हो जाएगा, फिर मतलब वही बाइलेटरली सिमेट्रिकल हो जाएंगे, वही ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, वही सीलोम हो जाएगा, कुछ भी नहीं रटना है। अब तुम्हारे नॉर्मल कैरेक्टर पे आ गए, किस पे आ गए यार, नॉर्मल कैरेक्टर पे आ गए, काइटिन होता है इनके बॉडी के ऊपर, जो कवरिंग है एक्सोस्केलेटन काइटिन की बनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में इनकी जो बॉडी है डिवाइडेड होती है, ट्रू सेगमेंटेशन होता है हेड थोरिक्स और एब्डोमेन में, किसमें किसमें, हेड थोरिक्स और एब्डोमेन में, अच्छा ट्रू सेगमेंटेशन दिख रहा है कहाँ कहाँ, मतलब यहाँ पे जो सेगमेंटेशन है यहाँ पे भी है, तो कहाँ पे हो जाएगा, हेड थोरिक्स एब्डोमेन, क्वेश्चन पूछता है कि सेगमेंटेशन कहाँ कहाँ होती है, क्या क्वेश्चन है यार, सेगमेंटेशन किसमें किसमें होती है, तो सेगमेंटेशन किसमें किसमें होती है बेटा, सबसे पहले किसमें हो जाती है, तुम्हारा किसमें पढ़ा था, हाँ एनेलिडा में पढ़ा था, उसके अलावा कहाँ पढ़ा था बेटा, एनेलिडा के बाद में अब पढ़ रहे हैं हम आर्थ्रोपोडा में, किसमें हो रहा है, ऑर्थोपोडा में, ऑर्थोपोडा के बाद में नेक्स्ट किसमें पढ़ेंगे बेटा, कॉर्डेटा में। तो ये क्या हम बोलते हैं कि इनके अंदर में ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, समझ गए। तो ये तीन ही एग्जांपल्स है, रट लेना है ना,
अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट तुम्हारा क्या होता है यार, इनका नाम ऑर्थो मतलब, ऑर्थो मतलब वो जुड़ा हुआ, और पोडा मतलब पैर, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इनके अंदर में, इसीलिए ऑर्थोपोडा हो गया। इनके अंदर में रेस्पिरेशन के लिए बुक गिल, बुक लंग सब कुछ ही होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था ओपन टाइप ही है। सेंसरी सिस्टम में एंटीना होता है, आंखें कंपाउंड होती हैं। बैलेंसी के लिए स्टेटोसिस्ट होता है, मालफीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन के लिए होता है, जो कि अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, फर्टिलाइजेशन बताया था ना, सब कुछ अच्छा ही आ चुका है। मोस्टली डायोइशियस, मोस्टली डायोइशियस का मतलब क्या हो जाएगा, वही यूनिसेक्सुअल हो गए, मतलब मेल फीमेल अलग अलग, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गई, सारे अच्छे कैरेक्टर चल रहे हैं, अंडा देता है वो तो अलग ही बात है। डेवलपमेंट, हाँ डेवलपमेंट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं यार, इसमें तुम्हें याद करना है, जैसे रिगुलर लार्वा हो गया, उसमें मच्छर का रिगुलर हो गया, मक्खी का मैगट हो गया, ऐसे होता है ना, तो वही चीज कुछ में ऐसे इनडायरेक्ट है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आ जाओ, नाम वाम तो सारे याद करोगे। एनोफिलीज से मलेरिया होता है, क्यूलेक्स फाइलेरिया, एडीज से डेंगू चिकनगुनिया होता है, ये लिविंग किंग क्रैब बुक के अंदर बुक गिल होता है ना। ग्रीगेरियस पेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, लोकस्ट, लोकस्ट एकदम झुंड में ही आते हैं, इसलिए उनको ग्रीगेरियस पेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट देख लो यार। हाँ ये भी बताया था ना कि स्कॉर्पियन जो है उसके अंदर में बुक लंग होता है। ठीक है, प्रॉन आर्टीरियल हार्ट होता है, ग्रीन या एंटीनरी ग्लैंड उसके अंदर होता है, रेस्पिरेशन के लिए, किसके लिए यार, रेस्पिरेशन के लिए उनके अंदर ग्रीन या एंटीनरी ग्लैंड होता है, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं मोलस्का पे। अच्छा एक बात बताओ, प्लीज प्लीज प्लीज, दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट यार, हाथ उठा दो, मतलब मैं बड़ा फास्ट निकल रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें समझ ही ना आ रहा हो कि चल क्या रहा है। प्लीज बच्चा लोग, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने हाथ नहीं उठाया है, प्लीज अगर समझ आ रहा है तो हाथ उठा लो। हाँ मैं इसीलिए वेट कर रही हूँ, मैं देख मतलब कि तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बिकॉज मैं थोड़ा फास्ट निकल रही हूँ ना। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है चलो, थैंक यू वेरी मच यार, तुम लोग रिस्पॉन्ड कर देते हो तो मतलब पता चलता रहता है ना कि हाँ समझ में आ रहा है, तो अच्छा लगता है। ठीक है चलो, थैंक यू बेटा, लो हाथ नीचे कर दो बच्चा, लो हो गया। ठीक है चलो, अब यहाँ पे आ जाते हैं फाइलम मोलस्का पे, है ना। अब मोलस्का क्या होता है, वो नहीं वो स्नेल स्नूल देखा ना, जो स्नेल ऊपर पूरे ऐसे कवरिंग वाला, शंख वंख जो देखा, ये वही वाला ग्रुप है। ठीक है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप होता है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है, दिख भी रहा होगा, सारे अच्छे कैरेक्टर जो है वो यहीं पे है। ऑर्गन सिस्टम देख लो, बाइलेटरल देख लो, ट्रिपलो देख लो, सिलोम देख लो, सारे अच्छे कैरेक्टर ले दे के यहाँ पे है ही। फिर उसके बाद में वो भी देख लो, ऑर्गन सिस्टम वगैरह तो है ही है। फिर इनका जो मतलब आते हैं इनके स्पेशल कैरेक्टर पे, स्पेशल कैरेक्टर में बाहर कैल्शियम की शेल होती है, बॉडी हेड मस्कुलर फूट और विजिसरल हम्प में डिवाइडेड होती है, सेगमेंटेड नहीं होती है। ठीक है, सेगमेंटेड नहीं है, अनसेगमेंटेड है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, कि सेगमेंटेड नहीं है बॉडी, बस ऐसे हेड मस्कुलर फूट और हम्प होता है ना। तो यार अब यहाँ पे आते हैं, इधर देखो सबसे अंदर ना, जैसे ये मान लो लाल कलर का विसेरल हम्प हो गया, विसेरल हम्प मतलब एक्चुअली उनकी बॉडी हो गई, समझ गए, फिर उसके ऊपर उनकी कवरिंग हो गई ऐसे कैल्शियम वाली, तो ये हो गया तुम्हारा मेंटल, मतलब ऐसे ना तुम्हारी पूरी मान लो कवरिंग हो गई, इसके ऊपर वो तुम्हारा शेल वेल आएगा, तो ये मान लो मेंटल उनकी कवरिंग हो गई, स्किन का फोल्ड है ना, उसके बीच में उनके फेदर्ड गिल्स होते हैं। तो ध्यान रखो, विसेरल हम्प स्किन जैसी इनफोल्डिंग जिसको मेंटल कहते हैं उससे कवर्ड होता है, और उन दोनों के बीच में जो गैप है उसके अंदर में क्या होता है, फेदर लाइक गिल्स होते हैं। क्या होते हैं उनमें, फेदर लाइक गिल्स होते हैं। ये जो गिल्स है ना बेटा, सारे काम ऑलमोस्ट जो है ये फेदर लाइक गिल्स जो है वो ही कर रहे होते हैं, मतलब रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का, तो ये फेदर्ड गिल्स ही वो काम कर रहे होते हैं। ध्यान रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, रेस्पिरेशन फेदर्ड गिल्स से होता है या फिर एक्सक्रीशन फेदर्ड गिल्स से होता है, समझ गए। चलो, इनके अंदर में टेंटिकल्स होते हैं, वो तो देखा ही होगा तुमने, स्नेल में जब स्नेल होता है तो उसमें आगे ऐसे 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 करके नहीं होता, तो वो टेंटिकल्स होते ही हैं। माउथ इनका फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेडियुला रेस्पिंग टाइप होता है। क्या होता है यार, रेस्पिंग टाइप,
किसी का कटिंग टाइप, च्यूइंग टाइप, बाइटिंग टाइप, इनका रेस्पिंग टाइप होता है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ यार, इनका जो मतलब इसमें जो ऑक्टोपस होता है बेटा, ऑक्टोपस इसी ग्रुप का मेंबर है, उसमें एक्सोस्केलेटन नहीं होता, बाकी सब में एक्सोस्केलेटन होता है। ऑक्टोपस में इंक ग्लैंड होते हैं डिफेंस के लिए, ठीक है। ऑक्टोपस में इंक ग्लैंड होता है डिफेंस के लिए होता है, ये एक बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इनका जो लार्वा है वो कौन कौन सा है, विलेगर, ट्रोकोफोर, इनका लार्वा होता है, ठीक है। चलो अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं बेटा, फिर से वही चीज, जितनी अच्छी बातें हैं वो तो सब हो ही, मतलब वो तो सब हम कर ही चुके हैं, है ना। वो मतलब जो अच्छे कैरेक्टर हैं वो सब आ ही चुके हैं, है ना। तो फिर से सारे अच्छे कैरेक्टर हैं इसके अंदर में, कुछ एक इस मतलब ये थोड़ा ना गड़बड़ प्रजाति है, गड़बड़ प्रजाति मतलब इनके अंदर ना उल्टा डेवलपमेंट हुआ है, तो कुछ एक कैरेक्टर जो है पीछे चले गए इसके अंदर, कुछ एक कैरेक्टर जो है इनके अंदर पीछे चले गए, है ना। तो अब यहाँ पीछे चले गए हैं तो जरा देखना, आते हैं किधर, इधर देखो। अच्छा, इनके अंदर एनिमल्स एंडोस्केलेटन होता है कैल्शियम का, इनका नाम एकाइनो रखा है, एकाइनो मतलब काटा होता है, इसलिए इसमें पूरे ऐसे स्पाइन 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 होते हैं, इसलिए इनका नाम काटा रख दिया है। अच्छा देखो, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल तो है लेकिन सिमेट्री रेडियल है, ये एक स्पेशल मतलब पिछड़ा हुआ कैरेक्टर है कि सिमेट्री इनके अंदर में रेडियल है। लेकिन ध्यान दो, उसका जो लार्वा है भाई साहब वो बाइलेटरल है, लार्वा एडवांस है, एडल्ट पीछे चला गया है, समझ गए। तो यहाँ पर आ जाओ यार, डाइजेस्टिव सिस्टम, अब यार ऑब्वियस ही बात है, बाकी सबको तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह तो रहना ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, माउथ जो है वो लोअर वेंट्रल, एनस जो है अपर डोर्सल, ये क्वेश्चन आ सकता है। माउथ जो है लोअर है, वेंट्रल है, अपर है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, तो ये याद करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, अगेन ये क्वेश्चन तो होता ही है, वाटर वास्कुलर सिस्टम, सब में हेल्प करता है, लोकोमोशन में, कैप्चर में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रस्ट मी, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में भी यही हेल्प करता है बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है और एक्सक्रीशन में भी यही वाटर वास्कुलर सिस्टम ही हेल्प करता है, तो ये याद रखना, रेस्पिरेशन के साथ एक्सक्रीशन भी जोड़ना है फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद में देखो, सेक्सेस जो है वो तो मतलब अच्छा ही करेक्टर है, बाकी सब तो अच्छे वाले करेक्टर है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, फिर से समझ गए, ये दो कैरेक्टर हैं जो वो पीछे चले गए हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इसका, समझ गए। अब नेक्स्ट आ जाओ, शक्ल देखकर नाम पहचानना जरूरी है, सीख लो। देखो ये जो ये ओफियूरा, ये मतलब ओफियूरिया, फिर ये तुम्हारा एस्टेरियसिस, ये नाम मतलब तुम्हें पता है ना कि लेबलिंग को आता है, तो वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखा करो। अच्छा देखो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, तीन जगह होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, याद करो, सिया सिया, ठीक है। ये जितने भी शॉर्टकट्स है ना बेटा, इसको एक जगह लिख लेना, जहां पे ब्रश करते हो ना, जहां ब्रश करते हो वहां ले आके ऐसे चिपका दो, ठीक है। यकीन मानो 5 दिन, चलो बहुत खींच खाच के 7 दिन, 7 दिन रोज वो शॉर्टकट्स पढ़ के, जब पेस्ट कर रहे हो ना, रोज वो शॉर्टकट पढ़ के और उसको इलेबोरेट कर लेना, सिर्फ 7 दिन, और 8वें दिन मुझसे बात करना अगर नहीं याद हुआ तो, ठीक है। हो ही नहीं सकता, अगर 7 दिन रोज ऐसे पढ़ लोगे ना ब्रश करते टाइम, इलेबोरेट कर लोगे क्या क्या था, तो बस खत्म हो गया तुम्हारा, मतलब आधे से ज्यादा ये वाली जो चीजें है ना, ये हो जाएंगी तुम्हारी खत्म, रटना नहीं है ऐसे बैठ बैठ के, ठीक है। सिया, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा, एम्फीबियन, इनके अंदर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, बाकी सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, समझ गए, समझ गए ना। चलो अच्छा, इनका लार्वा है बाइपिनेरिया, ठीक है। ऑटोटॉमी क्या होती है यार, ऑटोटॉमी जैसे मान लो ये मतलब स्टारफिश है, अब इतना अच्छा नहीं बना है लेकिन फिर भी स्टारफिश तो है ही ना, ठीक है। तो ये स्टारफिश है, मान लो इसकी तंगड़ी टूट गई है ना, इसकी जो तंगड़ी है वो टूट गई, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोटॉमी, कि ये इनको जब जरूरत पड़ी, मान लो किसी ने एक तंगड़ी पकड़ लिया ऐसे, है ना, तो वो अपनी तंगड़ी तोड़ के भाग जाएंगे, समझ गए, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोटॉमी, समझ गए। पैर टूटना, हाँ अब इसको मैं लिख रही हूं, पैर टूटना, एक बार में समझ में आ जाएगा, पैर टूट गया इनका, समझ गए। तो जो पैर टूट रहा है उसको बोलते हैं ऑटोटॉमी। नेक्स्ट आ जाओ यार, एपीमॉर्फोजेनेसिस, एपीमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है बेटा, एपीमॉर्फोजेनेसिस, पैर टूट गया तो रिपेयर भी तो होना है, तो टूटे हुए पैर का रिपेयर है ना, तो उसको हम बोल देते हैं एपी, एक उसको हम क्या बोल देते हैं यार, एपीमॉर्फोजेनेसिस, क्या बोल देते हैं, एपीमॉर्फोजेनेसिस, मतलब क्या हो जाता है यार, रिपेयर ऑफ एन ऑर्गन, मतलब अगर जैसे छिपकली की पूंछ है ना, जैसे लिजर्ट का टेल है, लिजर्ट का जो टेल है वो टूट गया तो वापस रिपेयर हो जाता है ना बेटे,
तो वो क्या हो जाएगा, एपिमॉर्फोजेनेसिस, समझ गए ना। एपिमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, ऑर्गन रिपेयर। मॉर्फोलेक्सिस अभी पीछे पड़ा है, वो क्या होता है कि पूरा का पूरा आइटम बन गया प्लेनेरिया वाला, समझ गए। अच्छा एक चीज और, रिट्रोग्रेड डेवलपमेंट क्या होती है यार, इसके अंदर रिट्रोग्रेड डेवलपमेंट शो होती है। रिट्रोग्रेड डेवलपमेंट मतलब उल्टी डेवलपमेंट। लार्वा एडवांस्ड है, लार्वा एडवांस्ड कैरेक्टर शो करता है, बहुत सारे एडवांस्ड होता है ना। और एडल्ट, एडल्ट नहीं होता है, ये लिख दूं, एडवांस होता है तो उसका अपोजिट क्या होता है, समझ जाओ। एडल्ट पीछे है, मतलब कम एडवांस है, तो क्या लिखूं, लार्वा लार्वा एडवांस होता है। हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लार्वा मोर एडवांस्ड देन एडल्ट, समझ गए ना। डन, चलो यार अब ये था तुम्हारा इकाइनोडर्मेटा। अब उसके बाद में आते हैं हेमीकॉर्डेटा पे। अच्छा देखो, अब हेमीकॉर्डेटा वगैरह जो है ना, इनमें फिक्स फिक्स चीजें हैं, ज्यादा इनमें कभी ड्रामा आज तक नहीं किया कि कोई नाटक कर रहे हैं स्पेशल ना, कि कुछ अलग ही पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसको तो सीधे 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 जितना है उतना ही। ये देखो यार, हेमीकॉर्डेटा को पहले, इंपॉर्टेंट है, अर्लियर कहाँ रखा था, कॉर्डेटा में, पहले रखा था कॉर्डेटा में। अब कहाँ है, सेपरेट फाइलम है, नॉन कॉर्डेटा में। कहाँ है ये, अब कहाँ है, नॉन कॉर्डेटा में। पहले कहाँ था, हाँ मतलब कॉर्डेटा में है ना। क्यों पहले कॉर्डेटा में रखा था, क्योंकि पहले मतलब लैपटॉप, अरे मतलब लैपटॉप बोल रही हूँ, पहले चीजें इतनी एडवांस नहीं थी, तो उनको ना उसके अंदर नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर दिखा, तो उन्होंने कॉर्डेटा में कर दिया, तो बाद में पता चला वो नोटोकॉर्ड है ही नहीं, समझ गए। बाद में पता चला कि नोटोकॉर्ड नहीं है, तो उसको नॉन कॉर्डेट में डाल दिया, ठीक है। तो वही चीज, सारे अच्छे कैरेक्टर हैं ही, देख लो, वर्म लाइक होता है, ऑर्गन सिस्टम, बाइलेटरल, ट्रिपलो, सीलोमेट, कुछ याद ही नहीं करना है, समझ गए। अब वर्म जैसा है तो बॉडी सिलिंड्रिकल होगी, हाँ। डिवीजन क्या है, प्रोबोसिस, ट्रंक कॉल दिख रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप बताया था ना, कॉर्डेट्स में सीधा है, एनलिडा और कॉर्डेट्स, एनलिडा कॉर्डेट, एनलिडा कॉर्डेट, बाकी सब में ओपन टाइप, ठीक है। रेस्पिरेशन गिल से होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रोबोसिस ग्लैंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। ये जो जो मैं स्पेशली मार्क करा रही हूँ ना, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके अंदर में फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक्सटर्नल होती है, क्या होती है यार, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, दिख रहा है क्या। और डेवलपमेंट लार्वा तो है ही यार, लार्वा टॉर्नोरिया तो, लार्वा तो सभी में है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, अभी तुम कह रहे होगे कि मैम अभी तो आपने वो बताया था कि फर्टिलाइजेशन जो है सिर्फ इनमें ही बताया था, उसमें तो बताया ही नहीं था, क्या कहते हैं, हेमीकॉर्डेट्स में नहीं बताया था। हाँ यार वो मतलब मेरे से स्किप हो गया था, तो वो भी हम यहीं पर लिख देंगे, है ना, वो भी हम यहीं पर लिख देंगे। और ये हो जाएगा चिया, चिया सीड्स जानते हो ना, चिया सीड्स बहुतों ने खाए, किसने किसने खाया है, चिया सीड्स खाया ना, हाँ वेरी गुड। तो वो चिया हो गया, और इसमें हेमीकॉर्डेट ऐड कर लो, याद ही नहीं आया था मुझे हेमीकॉर्डेटा उस टाइम, ठीक है। तो ये हेमीकॉर्डेटा भी इसी के अंदर ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये चिया हो जाएगा, और चिया सच में खाने की चीज होती है, चिया सीड्स होते हैं, ठीक है ना। तो याद हो जाएगा और ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो यार अब आते हैं, हेमीकॉर्डेटा हो गया, हेमीकॉर्डेटा में ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा, चिल मारो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा कौन से होते हैं, जिनके अंदर में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ना। और जो कॉर्डेटा होते हैं, नोटोकॉर्ड उनके अंदर में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर में, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। अभी ठीक है, अब देखो यार जो कॉर्डेटा है होते हैं ना बेटा, कॉर्डेटा में क्या है तुम्हारे, जिनके अंदर में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है उनके अंदर में, नोटोकॉर्ड उनके अंदर में प्रेजेंट होता है। तो अब उसमें यार देखो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना, यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो, नोटोकॉर्ड उनके अंदर में प्रेजेंट होना मतलब इज द ओनली थिंग जो बताता है कि ये तुम्हारा कॉर्डेटा है, ये तुम्हारा नहीं है। तो है तो वो मतलब कौन सा हो जाएगा यार, तुम्हारा कॉर्डेटा वाले ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, जो भी कॉर्डेट्स है ना, उनके अंदर में हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, हॉलो नर्व कॉर्ड, अरे वो पीछे डायग्राम नहीं दिखा था, नर्व कॉर्ड एक खाली ऐसी जगह जैसी थी, तो वो हॉलो होती है, मतलब बिल्कुल मतलब खाली खाली सी होती है, डॉर्सल होती है और हॉलो होती है, तो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है। और गिल स्लिट्स भी होता है, जितने भी मतलब कॉर्डेट्स होते हैं उनमें गिल स्लिट्स होते हैं, फेरिंजियल, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं,
बाइलेटरल हो जाएंगे, ट्रिप्लो, सिलोमेट, ये सब तो तुम्हें पता ही है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर जो दो लाइन बताई है वो ही याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो जो कॉर्डेटा होते हैं बेटे वो कितने टाइप के हो जाते हैं यार, देखो यूरो कॉर्डेट या ट्यूनिकाटा है ना, फिर दूसरा क्या होता है सिफेलो कॉर्डेट, और तीसरा क्या होता है वर्टिब्रेटा। तो क्या हो जाता है, यूरो कॉर्डेट या ट्यूनिकाटा, फिर दूसरा सिफेलो कॉर्डेटा, और तीसरा वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ यार, जो ये तुम्हारे बेटा यूरो कॉर्डेट्स होते हैं है ना, यूरो कॉर्डेट एंड सिफेलो कॉर्डेट, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटो कॉर्डेट्स। क्या बोल देते हैं यार, प्रोटो कॉर्डेट्स बोल देते हैं यूरो और सिफेलो को, ठीक है। तो ये जो प्रोटो मतलब पुराने कॉर्डेटा, मतलब ओल्ड कॉर्डेटा के वर्जन है, ठीक है। तो अब ये जो यूरो कॉर्डेटा होता है ना बेटा, उसमें जो मतलब तुम्हारा वो होता है क्या कहते हैं, जो नोटो कॉर्ड है वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली इन मतलब सिर्फ टेल टेल रीजन में होता है, जबकि सिफेलो, सिफेलो मतलब तुम्हें पता है ना, सिफल सिफेल वर्ड होता है वो सर के लिए होता है, तो इसका मतलब सिफेलो में क्या हो जाएगा, मतलब तुम्हारे हेड से लेकर टेल में होता है और हमेशा के लिए होता है, जबकि जो तुम्हारा ये यूरो वाले हैं उनमें थोड़े टाइम के लिए होता है, ठीक है। चलो अब इसमें जरा देखना एक चीज यहाँ पे, इधर देखो यूरो कॉर्डेट, एसीडिया, सल्पा, डोलियोलम है ना, तो इसका मैंने याद किया था सड़ू, सड़ू है ना, और उसके बाद में बालक, मैंने याद किया था सड़ू बालक, ठीक है, सड़ू बालक, सड़ू में एस फॉर सल्पा, ए फॉर एसीडिया, डी फॉर डोलियोलम, यूरो, यू फॉर यूरोकॉर्डेट, समझ गए, यू फॉर यूरोकॉर्डेट, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा यार, सड़ू बालक, सल्पा, एसीडिया, अरे यार ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, फिर ये लिख दिया मैंने, बाकी मतलब बाकी उसी यही तो लिखा हुआ है पास में है ना, उसी में से देख लेना, डोलियोलम है ना और यूरोकॉर्डेट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ यार, इधर दूसरा क्या है, सिफेलोकॉर्डेट, तो उसमें क्या हो जाएगा, ब्रैंकियोस्टोमा दिख रहा है, तो ब्रैंकियोस्टोमा जो है वही तो है एम्फियोक्सेस लैंसलेट, ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सेस और लैंसलेट दिख रहा है, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सेस, लैंसलेट, एक ही तो बात है, और वो किसमें है, सिफेलोकॉर्डेट में है, तो ये हो जाएगा बालक, समझ गए ना। तो जो तुम्हारी यूरो और सिफेलो का एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, सड़ू बालक, क्या हो जाएगा बेटा, लो सड़ू बालक हो जाएगा, बोलो यार याद हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट आ जाओ यार, नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाता है कि अब चलो यही नोटोकॉर्ड जो है ना, ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया वर्टिब्रल कॉलम से, न्यूट्रोकॉर्ड कैसा था मतलब उस पे अब कवरिंग शवरिंग और अच्छे से वो आ गई, तो वर्टिब्रल कॉलम आ गया, तो उनको हमने डाल दिया वर्टिब्रेटा में, समझ गए। अब वर्टिब्रेटा मतलब तुम हो यार, मतलब ऐसे समझ लो कि तुम हो, सब कुछ ही अच्छा है, मतलब सब कुछ ही अच्छे वाले कैरेक्टर्स हैं, कोई ड्रामा ही नहीं है ना। तो जो वर्टिब्रेटा था बेटा उसके ना कितने कैरेक्टर थे, मतलब जो वर्टिब्रेटा था उनके अंदर में क्या हो गया, टाइप्स पे आ गए मतलब वर्टिब्रेटा के, तो वर्टिब्रेटा में क्या हो जाएगा यार, नीचे आओगे तो वर्टिब्रेटा के बड़े सारे टाइप्स हैं है ना, मतलब कौन कौन से हैं अब जरा देख लो, वर्टिब्रेटा मतलब जिसके अंदर में वर्टिब्रल कॉलम बन गया, तो जिनके अंदर में वर्टिब्रल कॉलम बन गया मेरे लाल, उसमें जरा देखो उनमें भी तो बहुत सारे हैं ना, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम बन गया उनके अंदर भी तो बहुत सारे हैं, तो ये देख लो क्या हो जाएगा वर्टिब्रेटा वाले, सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले आ जाओ, वर्टिब्रल कॉलम तो है लेकिन जॉ, जबड़ा आ, 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 है ना, ये है कि नहीं है दिख रहा है उसके बेस, अगर नहीं है, नहीं है तो ए गनैथा, ए हमेशा एब्सेंट के लिए लगाते हैं, गनैथा मतलब जॉ, तो अगर नहीं है तो ए गनैथा, है तो मतलब गनैथा हो गया, समझ गए। अगर मतलब जो जिनमें जॉज नहीं होते हैं वर्टिब्रेटा में वो एक ही ग्रुप है, साइक्लोस्टोमा, समझ रहे हो, एक ही ग्रुप है, तो नाटक ही खत्म हो गए कि तुम्हें बहुत चीजें याद करनी है ना, एक ही है तो खत्म ही हो गया, बाकी जो भी है सब गनैथन्स है, सबके अंदर जॉज है ना। अब उसमें क्या होते हैं, दो टाइप, एक होती है मछलियां और एक होती है टेट्रापोडा, टेट्रापोडा मतलब जिनके चार पैर हैं, मतलब चार वो हैं, और मछलियां मतलब जिनके अंदर पैर नहीं है, फिन्स है, तो मछलियों में तुम्हें पता है ना, कॉन्ड्रिशित, कार्टिलेजिनस फिश, ऑस्टिशित, बोनी फिशेस, और बाकी एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल, समझ गए। चलो जी अब आ गए हम फिशेस पे, ठीक है, फिशेस में देखो यार, यहाँ पे देखो ऑस्टिशियस कहाँ आ गया, रुको 1 मिनट, हाँ चलो जी अब यहाँ पे आ जाओ, फिशेस
फिशेस से पहले, इसी में हम मतलब फिशेस हेडिंग है, लेकिन अब साइक्लोस्टोमा बहुत छोटू सा होता है ना, इसलिए यहीं पे लिख दिया, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमा देखो बेटा, साइक्लोस्टोमा क्या है, मतलब फिशेस नहीं है ये, फिशेस पे एक्टोपेरासाइट है, फिशेस के बाहर बाहर, जैसे जू वगैरह होते हैं ना, लाइस जू है ना, वैसे ये भी रहते हैं, है ना। तो ये एक्टोपेरासाइट्स है, फिशेस पे एक्टोपेरासाइट है, दे आर नॉट फिशेस, ठीक है। बॉडी इनकी लंबी लंबी तुम्हें दिखी रही होगी, तो इलोंगेटेड बॉडी होता है, 6 से 15 पैर, गिल स्लिट्स होते हैं, गिल स्लिट्स ये 6 से 15 होता है, ये दिख रहा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, माउथ जो होता है सकिंग टाइप होता है और सर्कुलर माउथ होता है, समझ गए। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, स्केल्स नहीं है, देखो कितना प्लेन है, मछली में हम नहीं बनाते थे ऐसी ऐसी डिजाइन, ऐसी 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 मछली में डिजाइन बनाते थे ना, क्या यार मैं मछली बना रही हूँ, चलो मछली बना दी मैंने, ठीक है। तो उसमें हम ऐसी डिजाइन बनाते थे, तो दीज आर स्केल्स, वो स्केल्स यहाँ नहीं प्रेजेंट है, दिख रहा है ना, हाँ, तो इनमें कोई स्केल नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, कैसे होते हैं यार, मतलब वर्टेब्रल, ऑब्वियस सी बात है, बाकी सब कुछ तो क्रेनियम, वर्टेब्रल कॉलम, ये सब तो है ही, वर्टिब्रेटा ग्रुप का मेंबर है भाई, समझ गए ना। तो अभी इसमें कैसे होता है, और कार्टिलेजिनस है, अभी पहला पहला तो ग्रुप आया, तो कार्टिलेज ज्यादा है इसके अंदर में, ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होगा, हम एडवांस लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है ना। साइक्लोसोम्स मरीन होते हैं, कैसे होते हैं, मरीन मतलब वो समुद्र वगैरह वाले पानी में रहते हैं, मरीन होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इन्हें मतलब ना अंडे देने होते हैं, तो ये कहाँ चले जाते हैं, फ्रेश वाटर में। तो ऐसे मछलियां या जानवर जो रहते मरीन में हैं, लेकिन अंडा देने फ्रेश में जाते हैं, उन्हें बोलते हैं एनाड्रोमस, क्या बोलते हैं उन्हें, एनाड्रोमस, फिर से बोलो, एनाड्रोमस, है ना। अच्छा देखो, तो ये हो जाएंगे एनाड्रोमस, यानी कि मरीन से फ्रेश में आने वाले, ठीक है, उसका उल्टा कैटरोमस, ओके। पेट्रोमाइजन किसका एग्जाम्पल है, हाँ एनाड्रोमस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ यार, अंडे देने के बाद में वो क्या होते हैं, पहले जाएंगे मरीन में रहते हैं, फ्रेश वाटर में अंडे दिए, अंडे देने के बाद में ना वो वापस आ जाते हैं मरीन में, और वहां जाके मर जाते हैं, समझ गए। तो आफ्टर स्पॉनिंग, आफ्टर अंडे देना, दे डाई, समझ गए, चलो। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, हाँ, और यहाँ पे जो लार्वा बना है ना फ्रेश वाटर में, लार्वा जो बना है यहाँ पे, वो भी मेटामॉर्फोसिस के बाद, मतलब मेटामॉर्फोसिस यानी जब वो बड़े हो जाएंगे, मेटामॉर्फोसिस यानी बड़े हो जाएंगे, तो वो वापस में मरीन में रिटर्न हो जाएंगे, मरीन वाटर में रिटर्न हो जाएंगे, ये बात समझ में आई। लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद में वापस मरीन में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो ना है, ठीक है। चलो अब जरा नेक्स्ट आ जाओ, इनका लार्वा जो होता है एमोसीट लार्वा होता है, क्या होता है, एमोसीट लार्वा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ यार, एमोसीट लार्वा के बाद में हम आते हैं कॉन्ड्रीशियट्स पे, यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस पे आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं बेटा, कार्टिलेजिनस फिशेस पे आ रहे हैं। तो देखो यार, कार्टिलेजिनस फिशेस, हाँ इधर देखो, कार्टिलेजिनस फिशेस, देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो मछली है तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होनी, स्ट्रीमलाइन बॉडी ऐसी नाव जैसी, आगे से भी पतली और ऐसे पीछे से भी पतली, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी हो गई, है ना। कार्टिलेजिनस है, नाम ही कॉन्ड्रीशियत है, कार्टिलेजिनस। माउथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेंट्रल होता है, वेंट्रल आगे की तरफ वेंट्रल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, नोटोकॉर्ड, ऑब्वियसली नोटोकॉर्ड पर सिस्टम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, स्लिट्स, गिल स्लिट्स है, ओपरकुलम नहीं है, कवरिंग नहीं होती इनके गिल पे, खुला खुला गिल होता है, समझ गए। और इनकी जो स्केल है प्लेकोइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो गिल स्लिट्स पे कवर होता है नहीं होता है, प्लेकोइड स्केल होता है, कौन सा स्केल होता है। फिर देखो, फिर से जो स्केल्स हैं वो बैकवर्डली डायरेक्टेड हैं, क्या है, जो स्केल्स हैं वो बैकवर्डली डायरेक्टेड है, मतलब जो स्केल, जैसे मान लो ये मछली है ना, तो इनपे जो स्केल्स है ना वो पीछे से खुलेंगे ऐसे, मतलब स्केल्स जो है जो पापड़ जैसा होता है, और वो ऊपर होता है ऐसे, ऊपर पीछे से खुला खुला होता है ऐसे, समझ गए, मतलब बहुत सारे स्केल्स हैं वो पीछे से खुले हुए हैं, तो दैट इज बैकवर्डली डायरेक्टेड, समझ गए ना। जॉज बहुत मतलब पावरफुल होती है, क्योंकि ये प्रिडेशियस होते हैं, प्रिडेशियस मतलब मार के खाने वाले, मरी हुई चीजें, मतलब मरी हुई चीजें जो है वो सब खाने वाले, है ना, तो वो हो गया प्रिडेशियस, ठीक है। इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता, हवा नहीं स्टोर कर सकते, इसकी वजह से इनको लगातार तैरना पड़ता है, नहीं तो ये डूब जाएंगे, स्पेशल है ये, एयर ब्लैडर नहीं होता इसीलिए इनको लगातार तैरना पड़ता है, नहीं तो ये डूब जाएंगे, ठीक है। चलो, हार्ट वार्ट मैंने सब कुछ तुम्हें ये सब चीजें बताई हुई हैं, फिर से देख लो, हार्ट जो है वो दो चैम्बर होता है, ये बताया हुआ है ना, कि दो चैम्बर्ड हार्ट हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ स्पेशल है, जैसे टॉर्पिडो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, ट्राइगन में पॉइजन, पॉइकिलोथर्म यानी कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं यार,
जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है वो, मतलब जिन, अरे फिक्स रहता है मतलब जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता है, हम सो सॉरी, फिक्स नहीं रहता है का मतलब बाहर अगर 5 डिग्री है तो वो 5 डिग्री के हो जाएंगे, बाहर -5 है तो वो -5 हो जाएंगे, समझ गए? तो उनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। हमें देखो -5 पे जाए या +50 पे जाए, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37.8 ही होना चाहिए, ठीक है? बाकी तो तुम्हें पता ही, सारे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, सेक्स सेपरेट होंगे, हाँ ये सब सब अच्छे कैरेक्टर्स हैं। मेल जो है उनके अंदर पेल्विक फिन्स होते हैं जिनमें क्लास्पर्स होते हैं टू होल्ड द फीमेल, ठीक है? फर्टिलाइजेशन वगैरह सब कुछ वही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीवीपेरस है, अंडे देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। वीवीपेरस होते हैं, अंडे नहीं देते हैं, सीधे बच्चे पैदा करते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये नाम याद कर लेना, कैरकरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, सारे नाम याद करने हैं, बट ये भूल मत जाना गलती से भी। नेक्स्ट आ जाओ, ऑस्टिशिस, बोनी फिशेस हैं, है ना? अब इसको ना उससे पीछे वाले से कंपैरिजन कर करके तुमको देखना है, क्या करना है यार, कंपैरिजन कर करके तुमको देखना है। क्वेश्चन दोनों का मिलाकर पूछ लेते हैं, ये ऐसा है तो वो कैसा होगा, ऐसे क्वेश्चन आता है। और याद रखो इसमें तुम्हें ऐसा लग, मतलब इसमें जो भी वर्ड्स है ना एनसीईआरटी के, सीधे सीधे उसी पर आएंगे क्वेश्चन, और उसी में जो नहीं आए हुए हैं वो मतलब इस साल या अगले साल क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान रख लो क्वेश्चन यहीं से है एनिमल किंगडम का, शर्त लगा लो लिख के, जितना बता रही हूँ उसी में से क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं करके आओगे तो फिर बाद में रोते रहना, ठीक है? तो जैसे बता रही हूँ वो याद जरूर कर लेना, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है? चलो यार, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों होती हैं, समझ गए? अभी देखो पीछे एक चीज छूट गई, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, है ना? हाँ ये देखो अंडरलाइन करवा दिया, लेकिन उस पे ध्यान से नहीं बताया कि बेटा जो ये वाली है ना मरीन होती हैं, कॉन्ड्रीशिट्स कभी भी तुम्हारे नदी के पानी में नहीं, तुम्हें गंगा नदी में तैरती हुई मिल जाएंगी, ग्रेट व्हाइट शार्क, समझ रहे हो ना? ये तुम्हें नॉर्मल पानियों में कभी नहीं मिलेंगी, तो हमेशा मरीन होती है, ओनली मरीन होती है, ठीक है ना? अब यहाँ पे आ जाओ, ऑस्टिशियस दिख रहा है ना, ऑस्टिशियस बेटा ये कैसी होती है, मरीन भी होती है, मतलब फ्रेश वाटर में तो जो मछलियां होती है फ्रेश वाटर में, ये सारी ऑस्टिशियस होती है, ठीक है ना? हड्डी वाली मछलियां होती है, तभी तो तुम कांटे खा लेते हो, ठीक है ना? अब नेक्स्ट आ जाओ, ऑब्वियसली बोनी स्ट्रीमलाइन होंगे ही होंगे। माउथ जो है वो टर्मिनल होता है, ये बताया था, माउथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल होता है इनका माउथ, ठीक है? चार पेयर गिल्सलेट्स होते हैं, ढक्कन होता है, पिछले वाले में नहीं था, पिछले वाले में प्लेकोइड था, इसमें साइक्लोइड या टीनोइड स्केल है ना? फिर एयर ब्लैडर उनमें नहीं था, इसमें है, तो इसलिए ये डूबते नहीं है। हार्ट वही रहेगा, पॉइकिलोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड ये भी रहेंगे, सेक्स से सेपरेट होगा, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, ठीक है? फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल है, इसलिए इसको प्योरली एक्सटर्नल में डाला नहीं, यूजुअली एक्सटर्नल है। अंडे देते हैं, इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट हर मछली का डायरेक्ट ही होता है, समझ गया? डेवलपमेंट मछली का डायरेक्ट ही होता है, कोई मतलब लार्वा नहीं होता इनका, ठीक है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, किडनी इनकी मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, समझ गए? किडनी इनकी मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। अब यहाँ आ जाओ यार, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस कौन से हैं यार, वो याद है जो तुम्हारे मतलब फ्रॉग वाला, तो वो एम्फीबियन हो गए। अब इसमें जरा देख लो यार, कहीं भी होते हैं मतलब पानी में भी होते हैं, और वहां एम्फी मतलब क्या होता है, ड्वेल, तो इनकी मतलब पानी और लैंड दोनों पे जिंदगी होती है, इसलिए इनको बोल दिया एम्फीबियंस, ठीक है? अब उसके बाद में बॉडी हेड और ट्रंक दो में ही डिविजिबल होती है, तुम्हें यकीन नहीं होगा बट ये भी क्वेश्चन होता है कि बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है ना? तो दिस इज क्वेश्चन, तो ये याद रख लो कि बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक दो में डिवाइडेड होती है, किसमें किसमें डिवाइड होती है यार, हेड और ट्रंक दो में डिवाइडेड होती है, ठीक है ना? अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ बच्चा, फिर क्या है? अब यहाँ पे आ जाओ, टेल टूल का उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अब यहाँ पे आ जाओ यार, स्किन इनकी मॉइस्ट होती है, स्केल्स नहीं होते हैं, आईज पे आईलिड होती है, टिम्पेनम कान का पर्दा प्रेजेंट होता है, जो कि मतलब कान की तरह होता, मतलब कान ही बता रहा है वो कि कान है उनमें, ठीक है?
फिर एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी मतलब यूरिन वाला ट्रैक्ट, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तीनों क्लोआका में ओपन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में रेस्पिरेशन गिल्स से, ये बताया हुआ है, लंग्स से, स्किन से, है ना। स्किन से कब करता है, जब वो सोने जाता है ना, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, उन सब टाइम में स्किन से मतलब रेस्पिरेशन होता है, गिल्स से ब्रेकियल रेस्पिरेशन होता है, लंग्स से ये वाला क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब उसमें आ जाओ, हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है, ये भी बताया हुआ है, दो ऑरिकल वेंट्रिकल, ये सब कर चुके हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्सेस वगैरह ये सब सब तुम्हें पता है। हाँ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट, दिस इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट, है ना, ठीक है। कि फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल है, मेढक अपना अंडा और स्पर्म दोनों बाहर निकाल देता है, पानी में फर्टिलाइजेशन होती है। इनकी जो एग्स हैं वो लेदरी एग्स होती हैं, कैसी होती हैं यार, लेदरी एग्स होती हैं, उनमें शेल नहीं होता है, शेल नहीं होता, लेदरी एग्स होते हैं, मतलब अंडे जो है ना ऐसे ऐसे म्यूकस जैसे उससे कवर्ड होते हैं, समझ गए। तो इसीलिए वो हमेशा पानी में अपने अंडे देते हैं ताकि वो सूख ना जाए, ये बात समझ आई, ताकि वो सूख ना जाए, तो गीला रखने के लिए पानी में अंडे देते हैं, और ये जो ऊपर कवरिंग है वो भी उसी लिए होती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल मतलब कहाँ पे, पानी के अंदर होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें लार्वा नहीं, वो नहीं पढ़ा, टेडपोल नहीं पढ़ा, टेडपोल, तो टेडपोल इनका लार्वा होता है, समझ गए ना, पढ़ा होगा टेडपोल लार्वा, ठीक है। तो फ्रॉग का लार्वा है, इसीलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बताता है, समझ गए। अच्छा एक चीज, लार्वा जो है ना, अच्छा रुको एक सेकेंड, अच्छा ये भी याद ही कर लो, यहाँ पे यूरियोटेलिक क्या होता है, देखो यार जो एम्फीबियंस हैं वो कैसे हैं, यूरियोटेलिक मतलब उनका जो एक्सक्रीशन है वो यूरियोटेलिक है, यूरिया निकालते हैं एक्सक्रीशन के टाइम में। तो याद रखो कैम, CAM क्या है, CAM कैम, यानी कि क्या हो जाएगा, कार्टिलेजिनस फिशेज, एम्फीबियंस और मैमल्स, ये कैसे हैं, यूरियोटेलिक, यूरिया निकालते हैं, ठीक है। यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड निकालने वाले, RBC रेप्टाइल्स, बर्ड्स, कॉकरोच, कॉकरोच यानी कि तुम इंसेक्ट भी लिख सकते हो, खाली कॉकरोच क्यों लिखोगे, कॉकरोच यानी इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये कैसे हो जाएंगे, यूरिकोटेलिक, क्या हो जाएंगे बेटा, यूरिकोटेलिक। लेकिन जो टेडपोल है वो कैसा होता है, अमोनोटेलिक होता है, इनका जो टेडपोल है वो अमोनोटेलिक होता है। तो जो एम्फीबियंस है वो यूरियोटेलिक होते हैं, उनका जो लार्वा है वो अमोनोटेलिक होता है, इज दैट ओके, बोलो बाबा, ठीक है। रेप्टाइल्स पे आ जाओ बाबा, अब देखो, हाँ रेप्टाइल्स में, देखो यार ये जो तुम्हारे रेप्टाइल्स होते हैं बेटा, इसमें क्या है, क्रॉलिंग टाइप के ना, टहलने वाले जानवर होते हैं, ऐसे क्रॉली क्या बोलते हैं, रेंगने वाले जानवर होते हैं, सॉरी, तो रेंगने वाले जानवर होते हैं, तो यहाँ दिख रहा होगा तुम्हें, है ना, रेंगते हैं ये बेचारे, है ना। अब उसके बाद में ऐसा नहीं है टांगे वांगे नहीं है, हैं सब, मतलब टांगे वांगे हैं लेकिन फिर भी रेंगते ज्यादा हैं, ठीक है ना। फिर पहले ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, मतलब जमीन पे आने वाले यही पहले थे, ऑब्वियस सी बात है ना, इन अब रेंग रहे हैं तो अच्छा खासा स्केल्स वगैरह, स्क्यूट्स वगैरह चाहिए, तो स्किन जो है ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है ना। एक्सटर्नल ईयर नहीं होता इनमें, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, जनरली पूछते हैं प्रेजेंट या एब्सेंट, तो तुम क्या लिखते हो, एब्सेंट, ठीक है। अब उसके बाद में टिम्पेनम जो है, कान का पर्दा, वही ईयर बताता है, एम्फीबियंस में भी टिम्पेनम ही था, इनमें भी टिम्पेनम ही है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देख लो, हार्ट जो है 3 चैम्बर, 3 नहीं एक्चुअली में, 3.5, 3.5 चैम्बर, याद है ना, दो और एट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो आधा आधा डिवाइडेड था, है ना। और क्रोकोडाइल और एलिगेटर में 4 चैम्बर था जो बताया था वहां पे पीछे, है ना, ये दांत वात नहीं करने, छोड़ देना। फिर यहाँ पे देखो एंडोस्केलेटन दिख रहा है क्या, एंडोस्केलेटन आ चुका है, और सब में, अब सब में हड्डियां ही तो होंगी, तो एंडोस्केलेटन बोनी होता है, यहाँ पे एंडोस्केलेटन बोनी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये मोनोकोंड्रिलिक वगैरह नहीं करोगे, छोड़ दोगे। किडनी मेटानेफ्रिक होती है, ये कर लेना। फिर इनके अंदर में जैकबसन ऑर्गन होता है जो स्मेल में हेल्प करता है, ये कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड थे, फिशेज भी कोल्ड ब्लडेड थी, रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। मैम आपकी, सो आई एम रियली सॉरी टू इट्स ओके, स्टार्टल हाँ यू, आपकी हाँ वॉइस थोड़ी सी कम हो गई है।
वो इसका हो गया। आई एम रियली सॉरी, इट्स ओके। मैंने सोचा ये आवाज कहाँ से आ थैंक गई। हाँ अब ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है। बच्चा अभी आवाज आ रही है एवरीवन? ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार, इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसी हो जाती है यार, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसी हो जाएगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली बात है, बताया था ना कि वहां पीछे मतलब इसमें फ्रॉग में एक्सटर्नल थी, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना, कि फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थी वो इम्पोर्टेंट था। तो उसी तरीके से फर्टिलाइजेशन अब हर जगह इंटरनल ही है, किसी किसी जगह ही एक्सटर्नल है, किसी किसी जगह ही एक्सटर्नल है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ओवीपेरस अंडे देते हैं, ठीक है, और इनका जो अंडा है वो शेल है, उसके ऊपर कैलकेरियस वो कवरिंग होती है ना, कैलकेरियस कवरिंग होती है, ठीक है। तो वो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल अंडे होते हैं वैसे वाले, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट ही होएगा इनके अंदर में। अब देखो, अब इसमें ना, अब जो है उसमें बहुत सीधी सीधी सी चीजें करनी है, ज्यादा ड्रामे नहीं है। अब एव्स में देख लो, फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स, ओनली फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स हैं, इकलौते वर्टिब्रेट जो उड़ते हैं, एक आधा फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होती हैं, ठीक है। बीक तो होता ही है, स्ट्रीमलाइन बॉडी भी होती है। फोर लिम्ब्स जो है वो विंग्स में मॉडिफाइड होती हैं, और हाइंड लिम्ब्स जो है वो मतलब जनरली मतलब वो पकड़ने के लिए और ये वॉकिंग वॉकिंग के लिए होती हैं, है ना। फिर स्किन जो होती है उस पे मतलब बिल्कुल ड्राई होती है, स्किन जो होती है इनकी ड्राई होती है, लेकिन उनमें ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? फेदर्स के लुब्रिकेशन के लिए ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है, समझ गए। फिर उसके बाद में और क्या होता है यार, इनके अंदर में बोन्स होते हैं, और बोन्स जो है मतलब बोन होता है, और वो कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं एयर कैविटीज के साथ, न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं उनको, ठीक है। उनके अंदर न्यूमैटिक, हाँ हॉलो है तो न्यूमैटिक है, तो मतलब एयर कैविटीज है तो उनके अंदर बोन मैरो तो नहीं हो सकता ना, तो हॉलो होती है, ठीक है। बर्ड्स के अंदर में क्रॉप और गिजर्ड पता ही होना चाहिए, डाइजेशन में जैसे हमारा वो होता है ना स्टमक, वैसा इनके अंदर में क्रॉप और गिजर्ड हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, हार्ट इनका 4 चैम्बर, जैसे हमारा होता है वो हार्ट 4 चैम्बर हो गया, ठीक है। इनका जो खून है, रिचेस्ट ब्लड बोलते हैं इनको, रिचेस्ट ब्लड क्यों बोलते हैं यार, बहुत तोड़ लेवल ऑफ आरबीसी होता है, मतलब हमारा जो आरबीसी है ना उसके काउंट से भी, हमारे मतलब हमारा जो आरबीसी काउंट है उससे भी ज्यादा इनका आरबीसी काउंट होता है, समझ गए। इसीलिए ये रिचेस्ट ब्लड माना जाता है इनका, समझ गए। कैसे होते हैं बताया था ना, कि बर्ड्स यूरिकोटेलिक होते हैं, किडनी इनकी मेटानेफ्रिक होती है, ठीक है। ऊपर जो है उसके अलावा ये सब कुछ भी नहीं करना। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, वार्म ब्लडेड होते हैं हमारी तरह, एव्स और मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि उनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है। अगर उनका बॉडी टेम्परेचर 5 5 होना चाहिए तो 5 ही होगा, समझ गए। न्यूमैट मतलब वो पल्मोनरी लंग से रेस्पायर करते हैं। साइरिंग्स क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स होता है वैसे इनका भी वॉइस बॉक्स होता है, तो हमारा लैरिंग्स होता है, इनका साइरिंग्स होता है, समझ गए। सेक्सेस सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, समझ गए। अच्छा तुम देखो, मतलब बहुत ही स्ट्रेंज लगता है सुन के, बट सच यही है कि ये जो है हमसे सबसे ज्यादा क्लोज और रिसेम्बल करते हैं, बर्ड जो है हमसे सबसे ज्यादा रिसेम्बल करते हैं, समझ गए। चलो अब लास्ट आ जाते हैं मैमल्स। तुम्हें दिखेगा ये पूरी स्लाइड खाली रखी हुई है मैंने, ये पूरी स्लाइड खाली इसलिए नहीं है कि इसमें कुछ था नहीं, इसलिए क्योंकि यार पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी जो बेटा तुम पढ़ रहे हो ना, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी वो क्या है, वो मैमल्स ही तो है, समझ गए। पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी मैमल्स ही तो है, तो इसलिए मैमल्स में तुम्हें कुछ स्पेशल नहीं जाना, तुम्हें सब कुछ पता है कि तुम्हारी 2 किडनी होती हैं, तुम्हारी आंखें हैं, एक्सटर्नल ईयर भी है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, समझ रहे हो, मतलब सब कुछ ही तुम जानते हो। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस स्लाइड में तुम्हें जानना था, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी मैमल्स के बारे में है, तो थोड़ा बहुत जान के मतलब वो नहीं करना है, ठीक है ना, समझ गए। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम ने क्या स्पीड पकड़ी है भाई आज, तो है ना बहुत सारे, अच्छा हाथ भी उठा रहे हैं। कोई ना स्पीड पकड़ना पड़ेगा ना यार, समझ गए। नहीं पकड़ेंगे तो फिर खत्म नहीं होगा ना बेटा 1 महीने में, ठीक है। अच्छा जिस स्पीड से मैं भाग रही हूँ ना, उसी स्पीड से तुम भी भागो, तुम भागोगे तभी तो हमारा 1 महीने में जाके कवर होगा, तब कहीं जाकर हम 1 महीने में वो करेंगे कवर, समझ गए। तो याद रखो, अगर मैंने आज खत्म करवा दिया एनिमल किंगडम तो तुम्हारा भी खत्म होना आज, ठीक है। चलो अच्छा मैम, दीक्षा मैम, जी मैम, मैम चैट ओपन कर दो प्लीज बेटा। लोग
जिनको भी ना मतलब अब ये जो भी है मतलब डाउट है वो अपना लिख दो, ठीक है बच्चा लोग। अच्छा बेटा एक और बात सुनो कि आज की क्लास थोड़ी समझ में आई या नहीं आई वो भी बता देना, लेकिन याद रखो कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिसमें समझाने का कुछ है ही नहीं। एनिमल किंगडम में सिर्फ तुम्हें ये जानना है इम्पोर्टेंट क्या है, तो मैंने ना फोकस उसी पे किया है कि इम्पोर्टेंट क्या है। जहाँ पे बताने वाला टॉपिक होगा ना समझाने वाला, वहां पे मैं पक्का समझाऊंगी, ठीक है उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन जो रटने वाली चीजें हैं उसमें समझाने का नहीं वो स्कोप होता है, तो उसको मैंने हटा दिया। हाँ शिवम बेटा, हाँ मेरे लाल, आज डाउट्स में स्ट्रक्चरल ही होगा, ठीक है ओके ठीक है ठीक है। अब मैं चैट्स पे आ गई हूँ, चैट देखने लगी हूँ, थोड़ी फास्ट थी अदरवाइज ओके। अच्छा ठीक है केविन बेटा, अगर थोड़ी फास्ट नहीं रखूंगी ना मैं तो हो नहीं पाएगा ना, ठीक है ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट अपने सारे चैट लिख दो, फिर मैं रोक दूंगी, वरना मैं पढ़ नहीं पाऊंगी ना, तुम नीचे लिखते रहोगे तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, ठीक है। अच्छा अब रोक दो, जरा 1 सेकंड के लिए रोक दो, अब कुछ मत लिखो, पहले मैं बता दूं। ठीक है एक और चीज, जिन बच्चों की चैट रिप्लाई नहीं हो पाती है, लास्ट क्लास में मैंने वो स्क्रीन शेयर करवाई थी, सबको मिल गया था क्या? लास्ट क्लास में मैंने स्क्रीन शेयर करवाई थी, या बीच में कहीं आपकी स्क्रीन शेयर हुई थी क्या लास्ट उसके क्वेश्चन के आंसर के? नहीं, एक सेकेंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हुई थी या नहीं थी? हुई थी, लास्ट जो तुमने क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर्स का स्क्रीन शेयर हुआ था? हुआ था ठीक है, जिन्होंने नहीं भी देखा था वो अब देख लेना, ठीक है। सेम उसी तरीके से जिनका रह जाएगा आज क्वेश्चन आंसर करना, उनका मैं स्क्रीन पे वो शेयर करवा दूंगी, ठीक है आंसर्स। चलो बेटा लोग अब रोक दो, मैं चैट पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है तो अब रोक दो, अब जो भी जहां पे भी जो भी लिख रहे हो ना वो रुक जाओ। अच्छा बच्चे कह रहे नहीं हुई थी शेयर, कोई बात नहीं, नहीं हुई थी शेयर तो अब हो जाएगी, ठीक है। ठीक है ओके, आज स्ट्रक्चर में डाउट्स करा दो। हाँ बेटा स्ट्रक्चरल डाउट्स में स्ट्रक्चरल करा देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बेटा क्लास का पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा। मैम प्लांट किंगडम कैसे करें? ऐसे ही शॉर्ट में कर लो यार, रटने की चीज है वो बेटा। मतलब जो जैसे अभी मैंने एनिमल किंगडम पूरा पढ़ाया ना वैसे ही करो, शॉर्ट में सब कुछ रटने रटने का है, समझने का कुछ है नहीं। समझो नहीं आ रहा समझ, रट जाओ, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम पूरी टोटल रटने की चीज है। मैम प्लांट किंगडम कैसे करें? प्रिया ठीक है बेटा, पीडीएफ, हाँ बेटा पीडीएफ मिलेगी मैम प्लीज। एनएसपी वाले सेंटर वाले बच्चों, बेटा सबको नोट्स मिलेगी, एनएसपी सेंटर नहीं पूरी दुनिया के सेंटर वाले बच्चों को नोट्स मिलेगी, तो टेंशन मत लो शिवम, ठीक है। मैम डाइजेनेटिक मींस जिनके दो होस्ट होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना वो नहीं था अपना, जैसे टेप वर्म ले लो, गाय भैंस और प्लस इंसान, तो दो हो गए ना उनके, या फिर जो तुम्हारे ये देख लो क्या कहते हैं शीप लिवर फ्लूक, स्नेल और बकरी। हाँ मैम डाउट्स, मैम दिस स्पीड इज ऑफ बेस्ट, ठीक है बेटा। गायनेकोफोरिक कैनाल बेटा मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है, कहीं कहीं किसी किसी मेल में होता है किसी किसी फीमेल में होता है, ठीक है। मेनली मेल में होता है, कुछ मतलब जैसे अलग अलग कैटेगरीज हैं, कुछ में मेल में होता है कुछ में फीमेल में होता है, समझ गए? तो याद रखो मेल और फीमेल दोनों में होता है गायनेकोफोरिक कैनाल, ओके। जनरली अगर पूछ ले, एक पूछ लेगा तो मेल लिखोगे, अगर एक पूछ लेगा ना कि किसमें है तो मेल लिख मतलब मेल लिख कर आओगे, अगर एक पूछा तो। माई डाउट वॉज दैट अमीबा इज ए सेलुलर, बट यू सेड दैट ए सेलुलर मीन्स विदाउट सेल्स। नहीं रे बाबा, ए सेल्यूलर डजंट मीन विदाउट सेल, अमीबा ए सेल्यूलर होता है, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, समझ गए? ए सेल्यूलर मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है। मैं यूनि सेल्यूलर और ए सेल्यूलर के बीच में डिफरेंस बता रही थी, यूनि सेल्यूलर का मतलब होता है सिंगल सेल्ड, ठीक है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ए सेल्यूलर है, विट डज मीन कि बहुत सारे सेल नहीं है एक ही सेल है, समझ गए? सुलक्षिनी बेटा समझ में आ गया होगा तो नीचे रिप्लाई कर देना। मैम फ्रॉम वेयर वी गेट द नोट्स? बेटा ये नोट्स आपकी वीएमसी गैलेक्सी ऐप पे मिल जाती हैं, या शायद आपका अगर ग्रुप होगा तो उस पर भी शेयर किया जाएगा। अपने जो भी रेस्पेक्टिव सेंटर्स हैं बेटा उन पे पूछ लेना, ठीक है। अबे लिजर्ड एकाइनोडर्मेटा, अरे नहीं मेरे लाल, लिजर्ड तो रेप्टाइल हो गया ना, एकाइनोडर्मेटा पे कहाँ से आ गया, ठीक है। ये नाम जो भी है बेटा, तुम्हारा नाम बहुत लंबा है और बहुत ही अजीब है, इसलिए इसको सही कर लेना। रेडियूला,
फिर क्या है यार, रेड्यूला क्या होता है? रेड्यूला बेटा रेस्पिंग ऑर्गन, क्या होता है? रेस्पिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रिया, थैंक्स फॉर दिस चैप्टर, प्लीज स्टार्ट साइटोलॉजी आफ्टर स्ट्रक्चरल। हाँ बेटा, जो हाँ मतलब वो साइटोलॉजी स्टार्ट करनी है स्ट्रक्चरल के बाद में बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, नोट्स मिल जाएंगी, सबको मिल जाएंगी नोट्स आपके, ठीक है ठीक है। मैम लार्वा करना इम्पोर्टेंट है, हाँ बेटा लार्वा करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एव्स ओनली फ्लाइंग वर्टे बट ऑल्सो, अच्छा व्हाट अबाउट बैट्स? अरे यार देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। मैं वर्टिब्रेट्स में जैसे मैमल्स हैं, तो मैमल्स में सारे मैमल्स नहीं फ्लाई करते ना, दैट वेज बोला था, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली बैट फ्लाई करता है, तो देर आर फ्यू अदर मैमल्स जो कि फ्लाई करते हैं, बट वैसे अगर देखो तो एव्स आर द ओनली फ्लाइंग वर्टिब्रेट ग्रुप, समझ गए? दैट वेज बोला था मैम। पोरिफेरा टू निडेरिया, डाउट है मैम? क्या डाउट है बेटा सत्यम? पोरिफेरा टू निडेरिया क्या डाउट है वो बता देना मैम। मैम डायरेक्ट डेवलपमेंट इज बेटर फ्यूचर, बट वी सी दैट मोलस इनडायरेक्ट। अरे यार देखो बेटा, ये मतलब जैसे देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हैं और हम पढ़ रहे हैं, समझ गए? जैसे मतलब उसमें एकाइनोडर्मेटा गड़बड़ है, हाँ बेकार है ना, तभी तो मैंने बोला कि वो रिट्रोग्रेड डेवलपमेंट शो कर रहे हैं, समझ गए ना? वो रिट्रोग्रेड डेवलपमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है, तो बेकार है रिट्रोग्रेड डेवलपमेंट, तभी तो बोला कि उल्टा डेवलपमेंट है उनका। तो वही है, कभी कभी डेवलपमेंट बेकार भी हो जाती, होता है ना, पापा लोग बड़े टैलेंटेड है और बच्चा बिल्कुल गधा पैदा हो गया, अब वो तो हो ही गया ना, तो क्या कर सकते हैं फिर, समझ गए? दैट वेज। फिर उसके बाद में साइटोलॉजी स्ट्रक्चरल, ठीक है। एम्फीबियन हेड्स भी सेपरेट हैं क्या डिफरेंट पार्ट्स में? हाँ बेटा, नहीं उसके दो ही मतलब वो दो ही पार्ट में डिवाइडेड थे, याद है ना, बताया था ना कि उसके दो ही पार्ट में डिवाइडेड है। सेपरेट का मतलब, सेपरेट मतलब क्या बेटा? बॉडी सिर्फ दो ही पार्ट में, मतलब हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है, ठीक है ठीक है। मैं समझ गई बेटा, जितने लोगों ने नो मैम लिखा है ना, उनका मैं समझ गई कि उनको वो चैट शेयर नहीं हुई थी, ठीक है, कोई बात नहीं, आज आई विल मेक इट श्योर कि वो चैट तुम्हें शेयर हो जाए, ठीक है। और कनिका, कृतिका बोल रही थी स्क्रीन शेयर हुई थी, यानी कि कुछ बच्चों ने देखा नहीं था, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी फिर से शेयर करवा देंगे, फिर से देख लेना, ठीक है। कई बार बेटा तुम्हारी इतनी बैक टू बैक क्लास हो जाती है ना, कि उसमें कब वो शेयर करें टाइम नहीं मिला होगा, तो थोड़ी देर के लिए ही करा होगा। मैम आपने बोला था एसके में डेवलपमेंट ज्यादातर डायरेक्ट है, बट एनसीईआरटी में दिया है मे बी डायरेक्ट। हाँ तो बेटा इसीलिए तो बोला था मे बी डायरेक्ट और ज्यादातर डायरेक्ट में मैंने क्या बताया था कि देखो यार, हमारे पास जो एग्जाम्पल्स है ना, ठीक है, जो हमारे पास में एग्जाम्पल है वो कैसे है, वो वैसे वाले हैं, ज्यादातर इनडायरेक्ट वाले, समझ गए? कैसे है, ज्यादातर इनडायरेक्ट वाले, मतलब जो एस कैरीज है उसमें इनडायरेक्ट है, जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो इनडायरेक्ट वाले हैं, समझ गए? इसमें वो नमीरा ने बोला है कि मैम आपने बोला है कि एसके में डेवलपमेंट जो है वो ज्यादातर डायरेक्ट होता है, बट एनसीईआरटी में दिया है मे बी डायरेक्ट, समझ गए? हाँ तो मे बी डायरेक्ट, वही तो बोल रही हूँ कि मे बी डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, समझ गए? लेकिन मतलब उसमें ज्यादा एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं यार, मतलब असली में जो होते हैं वो ज्यादातर डायरेक्ट वाले होते हैं, लेकिन हमारे पास में जो ज्यादा एग्जाम्पल जो हमें पढ़ने हैं वो कैसे हैं, वो इनडायरेक्ट वाले हैं, तो इसीलिए उसने कहा है कि मे बी डायरेक्ट। ये बात समझ में आई? तो तुम्हारा आंसर जो है मतलब उसमें पूछा अगर क्वेश्चन आया कि डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है, तो तुम्हें दोनों लिखना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके अंदर दोनों होता है, लेकिन एक ही पूछा जाएगा तो तुम डायरेक्ट भी लिखोगे, ठीक है। प्लांट किंगडम कैसे करें, प्लैटी हेलमिंथस में वॉइस नहीं आ रही थी। अच्छा बेटा, प्लैटी हेलमिंथस में वॉइस नहीं आ रही थी, ठीक है बेटा, प्लैटी हेलमिंथस एक बार फिर से देख लेंगे। प्रिया बेटा बोरिंग है और लेंथी है, कुछ नहीं कर सकते बेटा, करना ही पड़ेगा और ऐसे ही करना पड़ेगा, इससे ज्यादा फास्ट नहीं कर सकते, मतलब इससे ज्यादा शॉर्ट में नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इससे ज्यादा शॉर्ट। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? ओके 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 ओके, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब जितने भी क्वेश्चन है ना, ये ऐसे वाले क्वेश्चंस, ये इनके आंसर्स जो है वो तुमको शेयर कर देंगे ग्रुप पे, ठीक है, वही तुम्हारा पीडीएफ वो बनाकर कर देंगे शेयर, ठीक है। हमें एट एन एवरेज कितने घंटे? बेटा एवरेज टाइम सबका अलग अलग होता है, समझ गए? सबका अलग अलग एवरेज टाइम होता है, ठीक है, तो सबका एवरेज टाइम अलग अलग है, तो ये नहीं कह सकते कि तुम्हें ऑन एन एवरेज कितनी देर पढ़ना है, ठीक है। लेकिन स्टिल एक चीज तो फिक्स है, चैप्टर के हिसाब से देखो कि तुम्हें आज कौन सा चैप्टर करना है, आज कितना टाइम पढ़ना है वो मत देखो, आज तुम्हें चैप्टर कौन सा करना है वो रखो, ठीक है। चलो अभी बेटा लोग, अभी ये बंद करते हैं,
ठीक है मैम, ये चैट मुझे दे रहे हैं। केविन, हाँ बेटा, कॉकरोच और अर्थवर्म आएगा, कॉकरोच और अर्थवर्म आएगा, लेकिन कॉकरोच और अर्थवर्म जो है वो तुम्हें मतलब सिर्फ पढ़ा सकते हैं, समझ गए? कॉकरोच और अर्थवर्म जो है वो तुम्हें सिर्फ पढ़ा सकते हैं, मतलब ऐसा हल्का हल्का सब वो देंगे, पूरी डिटेल पे हम जाएंगे नहीं। एनसीईआरटी से पढ़ो और डाउट पूछ लो उसके, ठीक है? ठीक है, और बाकी के जो आंसर्स हैं बेटा वो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में स्लाइड पे शो कर दिए जाएंगे, ठीक है? स्लाइड पे शो कर दिए जाएंगे, ठीक है? चलो बेटा, अब क्योंकि बहुत सारे आ गए ना, तो अब इतने सारे के आंसर दे नहीं सकते, ठीक है? तो अब सब वो पढ़ के मैं एक साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है बेटा? चलो बाय बच्चा लोग। दीक्षा मैम, हाँ जी मैम, मैम जो इनकी चैट है ना वो प्लीज आप वो सेव कर लो और मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है मैम? ठीक है। अच्छा एक और चीज मैम, अगर अभी स्टूडेंट्स वो कर सकते हैं, मतलब लास्ट जो मैंने वो थी ना जो चैट थी इनकी, उसका रिप्लाई मैंने करा था, ठीक है? तो मैम अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है तो आप मेरे पास से शेयर कर दीजिए, मैं शो कर देती हूँ स्क्रीन पे, ठीक है? और हाँ मेरे पास वो डॉक है, आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे वो कर दो, मैं आपको मैसेज करती हूँ उसी से। श्योर श्योर श्योर, ठीक है। और वो अभी आप स्क्रीन शेयर कर देना, ठीक है? इनकी 12:30 बजे से तो फिर क्लास है ना? मैम अभी 10:45 से अजय सर की क्लास है, एंड देन 12:30 बजे से फिर आपके साथ है। ठीक है ठीक है, ओके मैम। हाँ ओके मैम।